Ah. We'll Hello, everyone. Good evening. ऑडियो इज क्लियर नहीं अब तक कोई आया नहीं अभी आने दो ना ये इधर शो आर्मी पीपल को बोलते हैं हम लोग नहीं वन शायद वही होगी बस बी गेट लिया वन ऑफ दोस हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी या स्टार्टेड 5 ना स्टिल 56 Namaskar yes Audio clear picture clear good Excellent yeah दे स्टार्ट एट एक्जैक्ट फाइव मिनट्स फिफ्टी सेवन और थ्री मिनट हैं आई एम फाइन आई एम फाइन थैंक यू वेरी मच फॉर कंसर्न बिल्कुल मजे में हूँ घर में हूँ जैसे बाकी लोग हैं और हम लोग लेखक लोग हैं तो हमको शूट करता है हम सारा काम अकेले होता है तो हमारे लिए घर में रहें ना रहें इसे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता एक तरह से हमें कोई खास परेशानी या तकलीफ नहीं है ना कुछ बाहर जाने की बेचैनी है तो आई एम फाइन यस यस आई एम फाइन थैंक यू ये जो आ रहा टाइमिंग ये क्या है हमने कितने मिनट हुए हैं तो हुए हैं अभी ऑलरेडी ओके देयर इज अ गैप बिटवीन व्हेन आई स्पीक समथिंग एंड देन इट रीचेस देयर थोड़ा लेट होता है आ, वो उनके रेस्पॉन्ड आने तक ठीक है चलता है विंडो खोल के थोड़ा ज्यादा लाइट आएगी क्या ठीक तो है ठीक है देखो थोड़ा सा ठीक है चलेगा ओके सो आर वी ऑन हम लोग ऑन हैं yeah, yeah. तो नमस्कार सबको और खास तौर से लिटिल मोर को इस मौके के लिए इस अवसर के लिए उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और उसकी दो खास वजह हैं एक तो ये कि हाँ लिटिल मोर एन जो है वो कितना अच्छा काम कर रहा है वो सब जानते हैं मैं भी जानता हूँ और दूसरा ये कि इसका संबंध मेरे एक जो टीचर थे जे जे में मेरे प्रोफेसर शांताराम पवार सर उनसे जुड़ा बल्कि इसका लोगो भी उनका किया हुआ है और उनकी बेटियाँ इसे संभाल रही हैं चला रही हैं तो एक तो एक अफेक्शन है एक मेरा अपना एक व्यक्तिगत रिश्ता भी है लिटिल मोर से और एक अफेक्शन भी है उसके लिए तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एक बार फिर ऐसे अवसर पे कुछ जो मेरी ओर से जो भी कुछ हो सकता है लिटिल मोर के लिए मैं करने, करने को तैयार हूँ करने जा रहा हूँ और जो भी लोग इस पे शामिल हो रहे हैं इस फेसबुक लाइव पे उनका स्वागत है आ, अच्छा हो कि वो सवाल पूछे और मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ अच्छी तरह सिर्फ शुरुआत करने के लिए क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि ये सब हुआ कैसे मैं बताऊं आपको एक बड़ी अजीब बात होती है हम सबके साथ होती है कि हमें कभी भी अपने आप मोल पता नहीं होता हमें अपनी कीमत पता नहीं होती कि हम क्या हैं हमारा मोल क्या है हम कितने इम्पोर्टेंट हैं हम हमेशा इसलिए अपने आप को दूसरों की निगाहों से तोलते रहते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है हमें खुद अपना अपना पता नहीं होता कि हम सच में क्या हैं हम क्या करना चाहते हैं हमारा फ्यूचर क्या है भविष्य क्या है हमारी संभावना क्या है हमें कभी भी अपनी सब भावना का पता नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं और अपने बड़े छोटे से दायरे में हम कभी अपनी वजह से और कभी दूसरों की वजह से सीमित रहते हैं और जब कोई जब कभी कोई थोड़ी थोड़ी कोशिश भी करता है कि कुछ आ, अपना मोल बढ़ाने का तो वो क्या जो कोशिश होती है कि भाई बहुत सारा पैसा कमा लो शहरत कमा लो नाम कमा लो लोग जाने मगर उससे कुछ होता नहीं है वो आपका मोल नहीं है आपका पैसा आपका मोल नहीं है आपकी शोहरत आपका मोल नहीं है आपका मोल है कि आप अपनी पूरी संभावना को जो भी आपके अंदर छिपी हुई है जो भी जिंदगी ने आपके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है जिसका जो करने के लिए आप उसको पूरा का पूरा मौका दें खुल खिलने का खुलने का अब जैसे मैं अपना उदाहरण दूं मैं तो एक्चुअली मैं किसी काम का नहीं था और मैं एक उदाहरण हूँ कि जब आप किसी काम के ना हो तो एक बहुत बड़ी संभावना बनती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि कोई एक फिक्स दायरा नहीं है अब मेरे दौर में जैसे आज भी है कि भाई इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा एम वगैरह मेरे समय में था ही नहीं बहुत से बहुत आई ए एस आई के लिए लोग तैयारी करते थे तो ना मैं साइंस में अच्छा था ना गणित में अच्छा था तो मेरे लिए दोनों दरवाजे बंद थे न डॉक्टर ना, ना इंजीनियर क्योंकि आई एस वगैरह की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर कि उतना कौन पढ़ेगा इम्तहान देगा पास होगा नहीं होगा हु क्लोज थोड़ा बहुत शौक था ड्राइंग और पेंटिंग का थोड़ा बहुत शौक था ड्राइंग एंड पेंटिंग का थोड़ी बहुत एकदम लिखने का शौक था भाषा अच्छी थी निबंध वगैरह अच्छे लिख लेता था बल्कि जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे जो निबंध होते थे हाई स्कूल के वो एम के जो स्टूडेंट थे या बी के जो साहित्य के स्टूडेंट थे वो लेके जाते थे पढ़ने के इस्तेमाल करने के लिए तो मेरे घर के लोगों को बड़ी चिंता चिल्लाई बेचारे का होगा कि जिएगा कैसे मतलब अपना जीवन यापन कैसे करेगा जीविका क्या होगी इसकी क्या करेगा ये किसी काम के लायक नहीं है मगर चूंकि थोड़ी ड्राइंग वगैरह अच्छी थी तो मेरे पिता को ये ख्याल आया कि इसको जे जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट में इसको एडमिट कर दिया जाए जहाँ पे विज्ञापन व्यवसाय के लिए विजुअलाइजर्स तैयार किए जाते हैं आर्ट डायरेक्टर्स विजुअलाइजर्स तो कम से कम एडवर्टाइजिंग में इसको नौकरी मिल जाएगी बेचारे का वो इसका काम चल जाएगा भूखों नहीं मरेगा जैसे हर बाप की उम्मीद होती है एडमिशन तो हो गया मगर हुआ ये कि पूरा कोर्स चार साल का था मगर तीन साल में मैं थक गया जेजे से और जे मुझसे थक गया उसकी वजह ये थी कि जो जे का सिलेबस था वो करीब पचास साल पुराना था विज्ञापन व्यवसाय बहुत आगे निकल चुका था और मेरा रोज झगड़ा होता था मेरे जो टीचर थे या थे प्रोफेसर्स कि ये क्या पढ़ा रहे हैं आप ये किसी काम का नहीं है जैसे लेटरिंग फिनिशिंग उन दिनों लेटरिंग फिनिशिंग में बहुत जोर हुआ करता था कि लेटरिंग फिनिश करना हाथ से और मेरा था कि मैं एक विजुअलाइजर या आर्ट डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ आइडिया मेरा काम आइडिया सोचना है लेटरिंग फिनिशिंग की मेरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज मैं साइन बोर्ड पेंटर नहीं होने वाला हूँ मैं आर्ट डायरेक्टर या विजुअलाइजर होने वाला हूँ और मैं जो जो भी लिखने की बात है ऐड में जो भी लिखा जाता है हेडलाइन हो कॉपी हो उसके लिए मैं ऑर्डर कर सकता हूँ फॉन्ट या टाइप कि कौन सा फॉन्ट चाहिए किस साइज़ में चाहिए मैं ऑर्डर कर सकता हूँ ये लेटरिंग फिनिशिंग किस लिए और इसकी जब आर्गूमेंट करता था इसलिए मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था जाओ बाहर खड़े रहो और मैं जो है और वो मेरा सबसे सुन सुनहरा मौका था मैं मानता हूँ कि क्लास से बाहर निकालने निकाला जाना सौभाग्यपूर्ण होता है मुझे औरों का पता नहीं मेरे लिए तो था क्योंकि फिर मैं जाकर यूएस आइस लाइब्रेरी ब्रिटिश काउंसिल में अमेरिकन सेंटर में मैं सबका मेंबर था में बैठ जाता था और पता नहीं कौन फिल्मों पर किताबें पढ़ता था फिल्मों पर अब हुआ यह कि जब मैं तीन साल के बाद में ड्रॉप आउट हो गया कोर्स पूरा नहीं किया थोड़ी बहुत एकाद जगह मैंने अप्लाई किया नौकरी के लिए कुछ एजेंसियों में मगर नौकरी नहीं मिली क्योंकि ना मेरे पास डिप्लोमा था ना डिग्री थी मेरे पास कोई योग्यता नहीं थी पेपर पे और मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था और मैंने अपने घर में बताया भी नहीं अपने पिताजी को कि ऐसा मैंने किया है कि मैंने ड्रॉप आउट कर लिया है मैंने झूठ बोला सोचिए तो अब बेचारे वो अपनी नौकरी से पैसे बचा के मुझे भेजा करते थे अब उनको मालूम पड़ा कि बेटे ने ड्रॉप आउट कर लिया है अब क्या होगा जो एकमात्र अकेली संभावना थी कि एडवर्टाइजिंग में विजुअलाइजर बन जाएगा वो सब भावना भी पूरी तरह से खत्म हो गई तो एक दिन गुस्से में क्योंकि वो उसके इस, पीछे भी थोड़ा बहुत हाथ शांताराम सर का है हुआ ये कि जब मैं एड बनाता था अपनी क्लास में तो मेरी हेडलाइंस जो है मेरे विजुअल से ज्यादा अच्छी होती थी तो शांताराम सर कहते थे तू ली कमलेश तू ली मतलब तू लिख लिख द तो वो बात कहीं तो एक सूत्र मेरे दिमाग में रह गया कि चलो वाई नॉट राइटिंग इसको ट्राई करते हैं तो मैंने हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी एजेंसी थी उन दिनों हिंदुस्तान थॉम्पसन आज भी है आज उसका नाम जे वाटर थॉम्सन है तो वहां मैंने एक अप्लीकेशन भेजी और वो जो जॉब अप्लीकेशन थी अपने समय के हिसाब से वो बड़ी अजीब और गरीब जॉब अप्लीकेशन थी मुझे लगता नहीं किसी ने ऐसी जॉब अप्लीकेशन भेजी होगी अप्लीकेशन में लिखा यह था कि आई नीड ए हेयर कट न गेट ए हेयर कट वॉट अबाउट इट ये मेरी अप्लीकेशन थी दो लाइन की मेरी किस्मत देखिए या जो भी आप कह लें वो मैंने कहा ना कि आपको अंदाजा नहीं होता आपके अपने मोल का कि मेरा मोल क्या है और मेरी संभावना क्या है वो जो मेरी चिट्ठी थी एप्लीकेशन की जॉब एप्लीकेशन की वो जो क्रिएटिव हेड था हिंदुस्तान का मरे बेल ऑस्ट्रेलियन अभी भी वो जिंदा हैं और ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े उपन्यासकार हैं ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी के उनके हाथ में पड़ गई और ये मेरा सौभाग्य किसी भारतीय के हाथ में नहीं पड़ी क्योंकि भारतीय के हाथ में पड़ती तो फाड़ के फेंक देता कचरे की टोकरी में मगर इस शख्स ने या शायद वो वो भी उतना ही झक्की था जितना मैं झक्की था उसने मुझे बोला कि देखो ऐसा है कि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है तीन महीने बाद अप्रैल में तुम फिर फिर करना कोशिश शायद कुछ निकल आए और मुझे ताजुब ये कौन बंदा है मैंने तो मजाक किया था इसने मजाक को ले लिया सीरियसली कि मैंने तो लिखा क्योंकि मैंने सच में मेरे बाल बढ़ गए थे और बाल कटाने को पैसे नहीं हुआ करते थे और वो जो एक समय था मैं मानता हूं कि वो मेरा वो समय मेरा बैंक बैलेंस है कि जो तौर पे इस शहर में जो एक संघर्ष शुरू होता है किसी भी किसी भी लड़के का अपनी जीविका के लिए जिंदा रहने के लिए वो सब मैंने किया चाहे भूखे मरना था भटकना था जूते घिसना था बाल कटाने तक को पैसे नहीं होते थे वो सब मैंने किया बल्कि उस वो जो किया उसका उसमें से बहुत कुछ निकला जो मेरे लेखन में आया जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको एक मैं सीन लिख रहा था एक टीवी सीरियल के लिए उसमें एक संवाद हीरो ही का संवाद था कि भूख सिर्फ तीन दिन सताती है उसके बाद मगर भूख की याद जिंदगी भर सताती है तो जो एक्टर था हीरो ने कि वो समझाने की लाइन का मतलब क्या है भूख सिर्फ तीन दिन क्यों सताती है मैंने कहा तुमने कभी भूखे रह के देखा है क्योंकि मैंने देखा है और सच बात है कि सिर्फ तीन दिन फिजिकली यू फील द पेन वो भूख का दर्द सिर्फ तीन दिन होता है उसके बाद अचानक भूख गायब हो जाती है क्योंकि बॉडी अपना गियर चेंज कर लेती है बॉडी आप को खाने लगता है कुछ जमा करके कर रखा है अपना फैट वैट शरीर वो खाने लगता है इसलिए आपका वजन कम होता है जब आप उपवास करते हैं या भूखे रहते हैं तो आपका वजन इसलिए कम होता है क्योंकि आपका शरीर यू समझिए कि भले आप बड़े खुश हों कि ये बड़े आप शाकाहारी हैं उपवास कर रहे हैं धार्मिक हैं हैं एक्चुअली अगर आप उपवास कर रहे हैं, तो आप एक तरह से मांसाहारी हैं क्योंकि आप आप अपने को खा रहे हैं आपका बदन अपने आप को खा रहा है जिंदा रहने के लिए क्योंकि बाहर से भोजन नहीं मिल रहा है तो उसको भीतर से भोजन लेना पड़ता है तो मैंने कहा देख ऐसा है सिर्फ तीन दिन भूख सताती है भूख की याद मगर जिंदगी भर सताती है और वो जो असली पीड़ा जो होती है क्योंकि साइकोलॉजिकल दर्द है वो मानसिक पीड़ा है कि सुबह नाश्ते का समय है और आपको नाश्ता नहीं करना है लंच का समय है आपको लंच नहीं करना है डिनर का समय है आपको डिनर नहीं करना है तो जो भी समय आता है सुबह दोपहर शाम वो आपकी तकलीफ साइकोलॉजिकल पेन जो है भूख का वो आपके ऊपर हावी होता जाता है मगर वो समय जो था संघर्ष का वो मेरा बैंक बैलेंस है उसने मुझे सिखाया है जीना सिखाया है उन्ही दिनों की बात है ये 1967 की बात है लगभग मैं बहुत ही एक तरह से बुरे हाल में था बहुत निराश हो गया था जिंदगी से कि क्या होगा मेरा मैं यहाँ भी मैंने छोड़ दिया जे जे और आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है उन्हीं दिनों मुझे एक डॉक्यूमेंट्री में एक, एक फिल्म सोसाइटी का मेंबर था फिल्म फोरम नाम था उसका उन दिनों और वहाँ एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी और उस डॉक्यूमेंट्री ने मुझे जिंदगी दी आज मैं मैं जो फिल्मों के लिए कर रहा हूँ ये एक तरह से मैं उधार चुका रहा हूँ क्योंकि तो जो मुझे जिंदगी मिली वो फिल्म से मिली हुआ ये कि पहली बार ये कोई जर्मन डॉक्यूमेंट्री थी और जो जो फिल्म का कैमरा है पहली बार स्त्री के गर्भ के अंदर गया था और उस वहां पे कंसेप्शन कैसे होता है कंसेप्शन से लेके कैसे कैसे भ्रूण बढ़ता है विकसित होता है उसमें कैसे कैसे आंखें हाथ पैर उंगलियां ब्रेन सब निकलते हैं ये पूरा उसमें विजुअल एक ऑथेंटिक एक डॉक्यूमेंट्री उसका वो था उसकी और मैं देख रहा था और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जिंदगी ने कितना इन्वेस्ट किया मुझमें मैं मजाक नहीं हूं मैं इतफाक नहीं हूं मैं एक्सीडेंट नहीं हूँ जिंदगी ने मुझ पर शर्त लगाई है करीब 700 सौ स्पर्म रहे होंगे 700 मिलियन सर्व स्पर्म होते हैं उसमें से एक स्पर्म कामयाब होता है वो मैं था एक स्पर्म में जाके वो जीवन उसको उस वो, वो एक इंसान बनता है एक स्पर्म सात सौ करोड़ स्पर्म में से एक स्पर्म इंसान बनता है और जिंदगी उसमें इन्वेस्ट करती है उसको विकास भि, भि, करती है उसका डेवलप करती है उसको पूरा खाना पानी जो भी मिलता है मां से सांस या प्राण या उसका फ्यूचर उसका भविष्य उसके सपने सब उसके अंदर डालती है और फिर जाके वो इंसान पैदा होता है वो हमारी असली वो हमारा असली मोल है कि हम में से हर एक में जिंदगी ने अपने आप को दांव पे लगाया हम यूं ही नहीं है इस दुनिया में मुझे पता नहीं और कहीं पृथ्वी और पृथ्वी है कि नहीं किसी ग्रह पे जीवन है कि नहीं है तो ठीक नहीं हो तो है तो कोई भी हज नहीं अगर हम मान लें कि इस वक्त पूरी गैलेक्सी में पूरे यूनिवर्स में कहीं जीवन है तो पृथ्वी पर है और इस पृथ्वी पर अगर कोई जीवन है तो हम हैं हम महत्वपूर्ण हैं हमारी अहमियत है इस जिंदगी के लिए इस पूरे ब्रह्मांड में हम सबसे जिम्मेदार लोग हैं इस वक्त इस पृथ्वी पर क्योंकि जिंदगी ने हमें चुना है हमें इन्वेस्ट किया है कि भाई तुम कुछ बनो इसलिए हमें से हर एक अनूठा है कोई भी एक दूसरे जैसा नहीं है और सवाल अमीर गरीब का या अलग अलग जो फासले हैं वो फासले हमने बनाए हैं वो फासले जिंदगी ने नहीं बनाए हैं वो जो फर्क है वो जिंदगी का किया हुआ नहीं है वो हमारा फर्क है वो हमारी बेवकूफियां है हम अपनी बेवकूफी को का इल्जाम जो है जिंदगी पे नहीं ला सकते जिंदगी ने हमें एक अवसर दिया है आदमी बनने का इंसान बनने का उस अवसर का हम क्या उपयोग करते हैं बिल्कुल हमारे ऊपर है तो वो हमारा असली मोल है वो हमारी असली संभावना है कि हम इस ब्रह्मांड के सबसे जिम्मेदार प्राणी हैं। पता नहीं और कहीं ग्रह पे जीवन है या नहीं और कोई ग्रह है कि नहीं या एडवांस है कि क्या है हु नोज की तारीख में आज हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कोई ग्रह नहीं है क्योंकि यहाँ पे आबादी है यहाँ पे जीवन है यहाँ पे लोग हैं विकास कर रही है तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं उसके बाद मैंने वो चिट्ठी लिखी वो ए, हिंदुस्तान धामसन को और तीन महीने बाद उन्होंने मुझे बुला लिया आ, आवर सरप्राइज मैंने सिर्फ याद दिलाया कि भाई आपने कहा था कि तीन महीने बाद और मजा ये था कि मैं अंग्रेजी तो पढ़ता था बहुत अंग्रेजी लिखता भी था बहुत बोलना नहीं आता था तो क्योंकि बोलना तो अभ्यास से आता है अब और वो बंदा ऑस्ट्रेलियन उसकी अंग्रेजी माशाला एक्सेंट उनकी अजीब सी होती है ऑस्ट्रेलियन की तो सारा बातचीत हो गया इंटरव्यू हो गया उसने जैसे हम कहते हैं कॉपी टेस्ट एडवर्टाइजिंग में कॉपी टेस्ट दिया वो कुछ ऐड था एक सोवेनियर के लिए ऐड था शेक्सपियर का कोई नाटक होने वाला था उस पर कोई सोवेनियर निकल रहा था और एसी सीमेंट जो था वो हमारा क्लाइंट था हिंदुस्तान थॉमसन का तो मुझे यह करना था कि एसी से सीमेंट की ओर से एक ऐड लिखना था बनाना था जो उसे जिसे उस सोवेरियर में छपना था तो मरे बेल उसका नाम था मरे बेल ऑस्ट्रेलियन का कहा कि कैन यू फाइंड समथिंग कॉमन बिटवीन शेक्सपियर एंड सीमेंट ये उसने मुझे सवाल दिया <coughs> तो मैंने सोचने लगा और फिर मैंने एड बनाया और उसमें जो हेडलाइन थी मुझे आज तक वो याद है बहुत से लोगों को याद होगी शायद कि

आज का स्टूडेंट था जे जे में तीन साल झक मारी थी तो उतना तो आता था तो उसमें दिखाया था कि शेक्सपियर एक एक ईंटे जोड़ने वाला वो कारीगर है और जो ईंटे जोड़ रहा है वो ईटों पे उस पर उसके नाटक के नाम लिखे हैं शेक्सपियर है किंग लियर है हेमलेट है हैमलेट है, है किंग लियर है विट समर नाइट ड्रीम है वगैरह ऑथिलो है तो सारे नाटकों के नाम उस ईंटों पर लिखे हैं जो ये शेक्सपियर नाम का बंदा जोड़ रहा है जो एक ईंट जोड़ने वाला कारीगर है तो उसको अच्छा लगा उसने मुझे बोला ठीक है आ जाओ बोला तुम तनख्वाह कितनी लोगे <coughs> अब ये बहुत मजे की बात है अगेन मैंने कहा ना कि हमें अपना मोल पता नहीं होता उस वक्त क्या था कि जो हमारे मेरे साथ के जो लड़के थे स्टूडेंट इवन गोल्ड मेडलिस्ट जो थे मेरे दोस्त जिन्होंने चार साल का डिप्लोमा कोर्स पूरा किया था वो डेढ़ सौ रुपये में एजेंसी में नौकरी कर रहे थे डेढ़ सौ पौने दो सौ मैक्सिमम था 175 कोई वो कोई 125 पे कर रहा था कोई 100 पे कर रहा था जो गोल्ड मेडलिस्ट लड़का था मेरा दोस्त वीरू हीर अहमद उसकी तनख्वाह थी वन फिफ्टी पर मंथ तो मैंने कहा मैंने सोचा कि मेरे पास तो डिप्लोमा भी नहीं है डिग्री भी नहीं है और तो आई कॉन्ट आस्क फॉर वन फिफ्टी वन एक सौ एक वन वन फिफ्टी तो मैं मांग ही नहीं सकता तो मैं सोच पड़ा कि मैं क्या करूं अब सेवेंटी फाइव एटी फाइव मांगू नाइनटी मांगू हंड्रेड मांगू क्या मांगू तो अचानक पता नहीं क्यों और कैसे और किस वजह से मरे बोल बोलता है, मंथ तो मुझे लगा मैंने ठीक सुना नहीं है शायद पचास बोला होगा उसने मुझे फाइव हंड्रेड सुना ही पड़ रहा है तो ये ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट वैसे ही बड़ा आसान नहीं होता समझना फिर भी मैं चुप रहा <laughs> मरे कहता है ओके okay, कमलेश आई कान डू बेटर देन एट रुपीज अ मंथ अब अब मुझे पूरी तरह साफ साफ सुनाई पड़ा कि कहाँ मैं डेढ़ के लिए मरा जा रहा था और ये बंदा मुझे आठ सौ महीने देने को तैयार है मेरा विषय जो है अभी किसी ने पूछा है गार्गी फरीद ने ये मेरी अपनी लाइफ के बारे में है कि मैं विज्ञापन व्यवसाय में कैसे आया विज्ञापन व्यवसाय से फिल्मों में कैसे आया और उसके बाद तो फिर एक बार वो गाड़ी निकल चली तो फिर काफ़ी अवार्ड मिल गए सैकड़ों अवार्ड मिले एडवर्टाइजिंग के मशहूर हो गया उसके बाद जे जे ने बल्कि बड़ा अजीब किस्सा है कि जब मैं काफ़ी मशहूर हो गया विज्ञापन व्यवसाय में तो जे जे ने मुझे बुलाया एज ए चीफ गेस्ट अब मुझे हंसी आई कि एक लड़के ने जो ड्रॉप आउट है एक तरह से और असफल है एक तरह से वो, वो बहुत वो अहम बहुत वो खुशी की बात नहीं है जेजे के लिए उसको आप बुला रहे हैं चीफ गेस्ट की तरह पे फिर भी मैं गया और मैंने कहा कि देखो ऐसा है कि सवाल ये नहीं कि आप जेजे में क्या सीखते हैं सवाल ये है कि आप जेजे कैसे कब छोड़ते हैं तो कभी कभी जेजे छोड़ना ज़्यादा फ़ायदे का होता है बजाय जेजे में रहने के खैर उसका काफ़ी मजाक हुआ था मेरा उस मामले में तो ये जो सफलता है वो कहाँ से आएगी कैसे आएगी आपके हाथ में नहीं होता आपका मोल आपके हाथ में नहीं होता कभी कभी जो ज़िंदगी ये बड़ी अजीब है कि किसी और रास्ते से आपको अपनी कीमत का एहसास करा देती है और इस तरह मेरी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी और उन दिनों जहाँ तक फिल्मों का सवाल है जैसे फिल्मों का सवाल है तो फिल्मों में रस तो था मगर फिल्में लिखूंगा ऐसा कुछ ख्याल नहीं था मेरा कि मैं कभी फिल्म लिखने वाला हूँ हाँ इंटरेस्ट था क्योंकि ऐसा मैंने जिक्र किया कि जब मुझे क्लास के बाहर निकाल देते थे तो मैं जाके यूएस यू एस आयस लाइब्रेरी अमेरिकन सेंटर ब्रिटिश काउंसिल में जाके फिल्मों पे किताबें पढ़ता था और उसके नोट्स लिखता था नोट्स मतलब मेरे पास तो पेपर होता नहीं था तो बाथरूम में जो टॉयलेट पेपर होता है उसकी रोल निकाल के मैं उस पर और जो लाइब्रेरियन थी उससे बॉल पेन लेके मैं उस पर नोट्स लिखा करता था उसको क्या मालूम ये सिर्फ उसको इम्प्रेस करने के तरीके होते हैं कभी कभी हुआ ये कि उन दिनों जो, जो थिएटर था बॉम्बे में बहुत समृद्ध था अंग्रेजी थिएटर हिंदी थिएटर मराठी थिएटर और जो एडवर्टाइजिंग के लोग थे दे आर द मेन ऑडियंस फॉर द थिएटर क्योंकि उनके पास पैसे भी होते थे और शाम को ऑफिस छूटने के बाद एक अच्छा मौका होता था जाने का जाके चलो नाटक देखते हैं और मराठी थिएटर तब बहुत ही समृद्ध था।, था। विजयाबाई का रंगायन ग्रुप था और भी कई ग्रुप थे और इतने कमाल के नाटक चल रहे थे और एक से एक अभिनेता थे डॉक्टर लागू थे सतीश दुभाषी थे बहुत सारे मेरे दोस्त भी थे सबका नाम तो मुझे ले भी नहीं सकता अमोल भी था उसमें उनमें तो चूंकि मैं जाया करता था और मेरे कुछ मित्र जो थे वो रंगायन में वो एक्टिंग वगैरह किया करते थे नाटकों में इस तरह मेरी अमोल से मुलाकात हो गई और फिर दोस्ती भी होगी वगैरह फिर कई साल बीत गए फिर वो अपनी लाइन में बिजी था अमोल में अपनी लाइन में एडवर्टाइजिंग में अमोल फिर वो आ, फिल्मों में चला गया फिल्म स्टार बन गया मशहूर हो गया मैं अपने विज्ञापन व्यवसाय में लगा रहा आई केम टू री डिफ्यूजन जो मेरी एजेंसी थी और वहाँ पे काफ़ी इनाम इनाम काफ़ी औरत नाम वगैरह सब मिल गया इतफाक से एकदम रोड पे मुलाकात हो गई आते आते तो मैं अपनी गाड़ी में बोलो अपनी गाड़ी में कहाँ है अरे मैं तो इधर जूह गली के पास रहता हूँ अच्छा अरे मैं तो यहाँ बंगला है तू आ जाना घर पर खाना वाना खाते हैं तो मैं गया खाना खाने का तो बोले यार मैं अपनी पहली हिंदी फिल्म बना रहा हूँ और मेरे पास राइटर्स के लिए पैसे नहीं है ज़्यादा कि मैं अफोर्ड कर सकूं तो तू लिख देना तेरे को पैसे की कोई जरूरत है नहीं तू तो वैसे भी अच्छी नौकरी में है अच्छे पैसे मिल रहे हैं घर है गाड़ी है सब सारी सुविधाएं हैं तेरे पास तो मैंने कहा ठीक है तो मैंने ऐसे ही झक मैंने कहा ठीक है दे, दे, देखते हैं ट्राई करते हैं और वो फिल्म मैंने लिखी अनकही वो तो अमोल की फिल्म थी अनकही डॉक्टर लागू दीप्ति नवल अमोल खुद और एक बंगाली एक्ट्रेस थी अब वो फिल्म ऐसा नहीं कोई बड़ी छोटी सी फिल्म थी वो आ, कोई बहुत बड़ी हिटविट तो नहीं हुई मगर एक जो खास खबर जो जो आई ना मुझे अपने बारे में वो जावेद साहब से आई अमोल ने वो फिल्म जावेद साहब को दिखाई जावेद साहब और शबाना को और ये मुझे अमोल ने खुद बताया कि जावेद साहब ने कहा कि अपने दोस्त को उसने बोला कि उन्होंने पूछा कि ये फिल्म लिखी किसने है तो अमूल ने बताया कि मेरा दोस्त एडवर्टाइजिंग में है उसके पास फुर्सत थी टाइम था मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने लिखवा लिया उससे तो जावेद साहब ने कहा कि उसको बोल कि मेरे पेट पर पे लात मत मारें खैर उनका तरीका था मजाक करने का जावेद साहब मजाक करते उनका यूमर भी एक बड़ा अजीब सा यूमर होता है उनका जावेद साहब का तरीका जो होता है अगर अगर किसी की तारीफ भी करनी हो तो इस ढंग से करेंगे कि लगे नहीं कि तारीफ हो रही है ऐसा लगे कि मजाक हो रहा है मगर वो तारीफ होती है हमने कहा जावेद साहब जो हम लोग के लिए हीरो थे सुपर स्टार थे क्योंकि शोले और जंजीर के बाद तो सलीम जावेद हमारे लिए एकदम आइडल थे मैंने कहा जब जावेद साहब ऐसा बोल रहे हैं कि भाई मेरे पेट पर लतम मत मतलब क्या बात है कभी <coughs> एक थोड़े एक गुल आनंद करके थे प्रोड्यूसर उन्होंने अनकहीं देखी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन का भी नेटवर्क था काफ़ी गुल आनंद का उन्होंने फिल्म तो नहीं ली मगर उन्होंने मुझे फ़ोन किया नंबर लेके अमोल से कि देखिए ऐसा है कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जलवा आप लिखेंगे तो मैंने उनकी फिल्में देखी थी अच्छी फिल्म उन्होंने बनाई थी फिल्में काफ़ी पॉपुलर पौ -पौ कॉमेडी थी तो मैंने कहा ठीक है आके मिलता हूँ मैं तो जाके मिला मैं और फिर मुझे बताई गई कहानी कि भाई ये कहानी ये है जलवा की आप लिखेंगे मैंने कहा ये तो है मसाला फिल्म पूरी की पूरी और मैंने मसाला फिल्म आज तक लिखी नहीं मुझे पता नहीं ज्यादा मगर आप लोग अगर ख़तरा उठाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है लेकिन हाँ, हाँ हाँ आप लिखिए और मैंने जलवा लिखी और अचानक हंगामा हो गया पूरे मतलब ये कौन बंदा है कोई नया राइटर आया है बल्कि वो एक, एक बड़े अच्छे लेखक थे मनोहर श्याम जोशी अभी नहीं है वो मगर अपने उन्होंने हम लोग लिखा बुनियाद लिखा फिल्में भी कुछ लिखी तो उनका स्टेटमेंट था कि टकसाल से एक नया सिक्का आया है मेरे बारे में उनका ये बयान था कि टकसाल से एक नया सिक्का आया है मुझे अच्छा लगा और चारों ओर अचानक मैंने कहा क्या हो रहा है ये इसका तो मुझे अंदाजा नहीं था मैंने कुछ खास क्योंकि एडवर्टाइजिंग में आपको यू आर सपोज टू राइट वीटी वन लाइनर्स कभी कभी जो हमको आदत पड़ जाती है वीटी वन लाइनर्स लिखने की तो झलवा में वो भरे हुए थे मेरे मेरे लिए बहुत आसान था वीटी वन लाइन लिखना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था और मैंने लिखा जल कि उसमें एक लाइन थी जैसे आदमी और अचार में फर्क होता है तो होता है, सीन ये था कि, आ, हसीर जो है फिल्म का हीरो है यंग इंस्पेक्टर होता है पुलिस ऑफिसर और उसका जो होता है बॉस सीनियर अफसर वो दिलीप राज एक्टर जो है उन्होंने रोल किया था दिलीप राज जो है उन्होंने वो रोल किया था सीनियर एक्टर का और उनका आपस में एक सीन था काफी आपस में था था कंसनट्रेशन क्योंकि जो यंग यंग ऑफिसर है तो नसीर ये थोड़ा बागी है इसके अपने नियम में काम करने के जो कि उ, उसको पसंद नहीं हो उसके बास को तो वो बास बोलता है कि मैं पंद्रह साल से ये पुलिस सर्विस में हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक और ना ऐसा होगा तो नसीर बोलता है सर आदमी और अचार में फर्क होता है तो अचार जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है मगर आदमी के लिए जरूरी नहीं है वो वो लोगों को अच्छा लगा आज भी लोग याद करते हैं उसे तो मैंने लिखी जलवा जलवा बहुत अच्छी गई और उसके बाद ही तफाक से एक लाइन लगी तेजाब दिल बेटा चालबाज सौदागर नाली खलनायक वगैरह वगैरह अचानक मैंने पाया कि अरे मैं तो यहां एक दो दो शेरों पे सवार हूं एक शेयर एडवर्टाइजिंग है जो मेरी नौकरी है डे जॉब और एक ये फिल्में हैं बल्कि आपको शायद पता भी नहीं होगा जब महाभारत शुरू हुई बी आर चोपड़ा की तो आई एम वॉज़ वन ऑफ द राइटर्स पर मुश्किल ये थी कि मेरी नौकरी थी मुझे रोज ऑफिस जाना पड़ता था और बी आर चोपड़ा के ऑफिस में 11 बजे सब राइटर्स की मीटिंग होती थी पहले जिसके पहले आगे कि आगे एक सीन लिखे जाए तो मैंने रवि चोपड़ा से कहा कि रवि यार मुझे जाने दे तुम किसी और को ले ले क्योंकि तो मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता क्योंकि तो तब तक मुझे भी अंदाजा नहीं था कि ये महाभारत क्या बनने वाला है क्या होने वाला है वो जो चूंकि रवि चोपड़ा दोस्त था तो मैंने हाँ कर दी थी तब जाके फिर मैंने छोड़ा बाद में राही साहब आ गए उस पर राही मासूम रजा साहब तो ये दो शेर थे एक तो एडवर्टाइजिंग जिसमें एवरी थिंग इज वांटेड ये हर चीज कल चाहिए थी और एक फिल्म है कि वो आपको कभी भी कुछ भी लिखना पड़ सकता है कभी शूटिंग यहाँ है कभी शूटिंग वहां है फिर भी मैंने कैसे भी करके मैनेज किया और अचानक 1992 में एक अलग दरवाजा खुलता है मेरे सामने मैंने हमेशा यह किया कि मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की कि, कि क्या होने वाला है मेरा अगर कुछ भी मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग है चलो इसमें कूद जाओ तो मैं कूद जाता था अब अचानक जी टीवी की ओर से ऑफर आया कि हम लोग एक सैटेलाइट टीवी चैनल शुरू कर रहे हैं एंड वी नीड हेड ऑफ प्रोग्रामिंग समबडी हु तब तक मुझे ये शब्द का भी पता नहीं था कि देर इज समथिंग गॉड हेड ऑफ प्रोग्रामिंग इन सेटलाइट टीवी चैनल और वो काम क्या है मुझे कुछ पता नहीं था तो मैं गया मिलने वाला चंद्रा से कि भाई क्या है व्हाट इज दिस जॉब तो आखिर फिर उन्होंने माथा, माथा पच्ची की मैंने माथा पच्ची की और इस नतीजे पे पहुंचे कि हेड ऑफ प्रोग्रामिंग की जॉब है इट इज़ लाइक द एडिटर ऑफ़ ए मैगजीन जो एडिटर है वो डिसाइड करता है कि मेरी मैगजीन में क्या क्या जाने वाला है तो वट काइंड ऑफ शोज जो कैसे शोज जाएंगे जी टी में मैंने कहा हाँ इतना काफ़ी है फिर मैं नौकरी छोड़ दी हालांकि लो, लो, लोग बहुत लोगों ने मुझे मना किया कि मैं बोई बेवकूफ़ हूँ शेखर कपूर मेरे दोस्त उन दिनों में और शेखर मिल एक फिल्म पे फिल्म पर काम कर रहे थे लॉन्च बॉबी देवल जो बनी नहीं बाद में चैंपियन नाम था उसका <coughs> शेखर ने कहा यार ये जो है ना तेरा जो जी टीवी है ना ये तीन महीने बंद हो जाएगा कितने लोग एक ये डिश एंटीना एफोर्ड कर पाएंगे हिंदुस्तान में जहां फ्री टू एयर अवेलेबल है दूरदर्शन वहां सेटेलाइट के लिए डिश एंटीना कौन खरीदेगा इस मुल्क में तो बेकूफी कर रहा है ये चैनल तो तीन महीने बंद होने वाला है अलग पदम सी मेरे मित्र थे विज्ञापन व्यवसाय की एडवरटाइजिंग उन्होंने यस कमलेश ए बिग मिस्टेक यू आर लिविंग एडवर्टाइजिंग जित में यू आर ऑन द टॉप यू आर ऑन टॉप ऑन बोथ प्रोफेशन फिल्मों में टॉप पर तब तो अवार्ड अवार्ड बहुत मिल गए थे फिल्म फेयर अवार्ड स्क्रीन अवार्ड वगैरह नाम हो गया था शहरत हो गई थी फिल्मों में भी एडवर्टाइजिंग में तो थी ही पहले से बोला कि यू आर टॉप ऑन टॉप ऑफ बोथ दिस प्रशन एडवर्टाइजिंग एंड फिल्म छोड़ क्यों रहे हो यार मतलब यू आर एन इडियट मैंने कहा सर जो भी इडियट हो बट आई मज रोमांस दिस न्यू गर्ल इन द नेबरहुड सैटेलाइट टेलीविजन टीवी चीज़ क्या है कम्बा हालांकि मैंने कुछ तब तक टीवी सीरियल लिखे थे अमोल के लिए एक करमचंद मैं लिखा करता था पंकज पराशर के लिए अमोल के लिए नकाब कच्ची धूप ये दो अ, सीरियल थे तो मैंने थोड़ा बहुत काम किया था टीवी के लिए तो मगर उतना ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था तो निका मुझे देखना है कि ये चीज़ क्या है ये टीवी क्या है क्योंकि तो टीवी का टीवी मेरे अपने हिसाब से ये है कि वो से ज्यादा उसकी ताकत है क्योंकि तो एक तो वो एडिक्टिव है और दूसरा रेपिटेटिव है वो हवा और हवा और हवा, हवा पानी की तरह स्विच ऑन ऑफ करके आपके घरों में आता है फिल्म के लिए तो आपको कुछ एफर्ट लेना पड़ता है जाना पड़ता है थिएटर में टिकट लो बुक करो फिर जाके बैठो फिर आजकल और बात है कि फिल्में टीवी पर आने लगी हैं तब, तब तक ये बात नहीं थी तब तक फिल्में टीवी पर नहीं आती थी, थी जब ये मुझे ऑफर आया तब तो मैंने कहा ट मीडियम इज सो पावरफुल इट इज एटिकटिव एंड रिपीटिव एंड इज सो पावरफुल इज मोर पावरफुल देन सिनेमा क्योंकि यू बिकम एन इडियट इसीलिए इसको इडियट बॉक्स भी कहते हैं टीवी को मुझे इसको समझना है इस मीडियम को समझना है मैंने एडवर्टाइजिंग को समझ ली मैंने फिल्मों को समझ लिया अब मुझे टीवी को समझना है कि चीज़ क्या है गम्बा तो ये जो नई लड़की आई है मेरे पड़ोस में इससे मुझे फ्लट करना है रोमांस करना है इसको जानना है कि ये कौन है किस ये ये, ये ये चीज़ क्या है और इस तरह मैंने एक्सेप्ट किया जी टी का हेड ऑफ प्रोग्रामिंग होना वहाँ मैं था कुछ साल था और जब मैं तक मैं था जो भी शोज आते थे तो टॉप टेन शोज में से आठ या नौ शो जी टी के होते थे सिर्फ एक ही शो होता था वो दूरदर्शन का रामानंद सागर का सिर्फ कृष्णा दैट वॉज द ओनली शो आउट ऑफ जी टी वी बाकी सारे शोज हमारे होते थे जी टी वी के नाइन शोज आउट ऑफ टेन इन द टॉप टेन मगर आफ्टर फोर फाइव इज मैंने कहा बहुत हो गया अब जैसे कि जब मुझे नौकरी मिली थी जो मरे बेल ने नौकरी दी तो उसने कहा था कि यू नो योर इंग्लिश इज क्वाइट बैड Your spelling is even worse. But one day you are going to be the best. अंग्रेजी जो उतनी अच्छी नहीं थी हालांकि मैं लिखता पढ़ता था मगर मैंने ज्वाइन किया एज ए इंग्लिश कॉपी राइटर और मैं हिंदी बेल्ट से मेरे आता था, था बलिया से जो यूपी में भी एक रिमोट जिला है बलिया वहां पर भी एक गाँव से आता था <coughs> तो मुझे हिंदुस्तान थॉमसन में दे यूज टू कॉल मी कंट्री बमकिन देहा तो मैंने घोषणा की टिपिकल जो बलिया वालों का अंदाज है कि भैया जिस दिन इस मुल्क में एडवर्टाइजिंग के लिए बेस्ट राइटर का अवार्ड शुरू होगा मैं पांच साल तक किसी को जीतने नहीं दूंगा और वो मैंने किया 78 में इतफाक इत से ये अवार्ड शुरू हुआ एडवर्टाइजिंग में फॉर द बेस्ट कॉपीराइटर और मैंने पांच साल तक किसी को जीतने नहीं दिया और उसके बाद मैंने एंट्री बंद कर दी फिर मैं एंटर करना ही बंद कर दिया मैंने कहा बहुत हो गया मेरा काम पूरा हो गया मैंने वादा किया था अपने आप से कि जिस दिन अवार्ड शुरू होगा पांच साल तक मैं किसी को जीतने नहीं दूंगा और मैंने जीतने नहीं दिया तो जब जी टी वी में पांच साल मैंने कहा बहुत हो गया यार जो मुझे करना था मैंने कर लिया अब चलते हैं एटलीस्ट फॉर द फाइव फॉर फाइव इन फास्टेस्ट ग्रोइंग सैटेलाइट टीवी नेटवर्क इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड आपको यकीन नहीं होगा वर्ली पोस्ट ऑफिस में ट्रक्स में भर के फैन मेल आता था जो तो हमारी रेस्पॉन्स सेल डिपार्टमेंट था वो ट्रकों में भर के चिट्ठियां आती थी जो लोग चिट्ठियां जी को चिट्ठियां लिखते थे और वो चिट्ठियों से फिर हम एड्रेसेस निकाल के एक हमारा आइडिया था कि मेक इट इनटू मेक इट इनटू ए बिजनेस डायरेक्ट मेल के लिए इट विल बीन अपॉर्चुनिटी तो इतनी इतना कामयाब हो गया जी टी मैंने कहा बहुत हो गया मुझे और कुछ साबित नहीं करना है मुझे ये मीडियम को देखना था ये क्या है और मैंने देख लिया बस बहुत हो गया जब मैं वहाँ पर था हेड ऑफ़ प्रोग्रामिंग आई ऑल्सो यूज टू राइट अ शो कॉल कुरुक्षेत्र वो मैं लिखा भी करता था और हेड ऑफ़ प्रोग्रामिंग भी था छोड़ देगा मैंने कहा अब कहीं मैं नौकरी नहीं करूंगा ऑफर थे सोनी टीवी से कहीं एक दो और जगह से ऑफ़र था ज्वाइन करने का मैंने कहा नहीं अब मुझे वापस टीवी में नहीं जाना है एक बार जो मैं छोड़ के आया हूं फिर मुझे दोबारा उस मुकाम पे नहीं जाना है आई विल बी जस्ट रिमेन ए राइटर और तब तक होता ये था कि मेरी आखिरी फिल्म थी खलनायक जब मैंने जी टी ज्वाइन की थी नाइनटीन में खलनायक के बाद मैं पूरा एबसेंट हो गया था हमारी इंडस्ट्री में हमारी हमारे यहाँ तो जो दिखता है वही दिखता है और मैं गायब हो गया था तो जब मैं जी टीवी छोड़ के बाहर आया तो मुझे कोई जानता नहीं था कि मैं कौन हूं क्या हूं मैंने क्या किया है लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं और फिर मैंने थोड़ा बहुत संघर्ष करना शुरू किया आ, और आ, मैंने थोड़ा बहुत काम भी किया बस बहुत ज्यादा ऐसा कोई बड़ा बहुत बड़ा काम नहीं किया ठीक है काम चलाऊ चलता रहा अब अब ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा से मुलाकात हुई उनकी वाइफ मेरे साथ काम करती थी थ्री में तो उसने मिलवाया एंड ही वाज ही टू मेक एड फिल्म्स तो उनको अमिताभ बच्चन ने ऑफर दिया कि भाई तुम फीचर फिल्म क्यों नहीं बनाते तो ही केम टू मी ये सर आपने इतना काम किया है फीचर फिल्मों में तो हम एक फिल्म फिल्म करना चाहते वो फिल्म थी अक्स अक्स बहुत कामयाब तो नहीं थी क्योंकि उसका जो मेन आइडिया था क्योंकि कहानी मेरी नहीं थी कहानी राकेश महल और अमिताभ बच्चन की थी मुझे मैंने सिर्फ स्क्रीन पे और डायलॉग किया था उसका और उसका उसकी बुनियाद ये थी कि गुड वर्सेस इविल गुड क्या है इविल क्या है अच्छाई क्या है बुराई क्या है तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसको अलग लेवल पर ले चलते हैं कहानी को कि गुड और इविल जो है अच्छाई बुराई दूसरी के दुश्मन नहीं है वो एक दूसरे के वो एक दूसरे के पूरक हैं, दे कॉम्प्लीमेंट है। बुराई के बिना अच्छाई भी नहीं हो सकती, आप आप कंपेयर कहाँ करेंगे रावण के बिना राम का भी होना मुश्किल है क्योंकि रावण का ये जो ये इतना बड़ा ये ब्लैक बोर्ड है उसी पर राम की सफेद लिखावट दिखाई पड़ती है रावण को निकाल दो तो रामायण में है क्या तो मैंने कहा ये जो अच्छाई बुराई है गुड और इविल है एक दूसरे के रिफ्लेक्शन से परछाइयाँ हैं एक दूसरे के एक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे को पूरा करते हैं एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता तो अच्छाई के बिना बुराई नहीं हो सकती और बुराई के बिना अच्छाई भी नहीं हो सकती ये मैंने कोशिश की एक ख्याल जो था अब बल्कि उसमें मैंने थोड़ा सा एक मजाक भी किया था जो गीता की लाइन है कि ना कोई मारता है ना कोई मरता है सब निमित्त मात्र हैं तो मैंने कहा अच्छा हुआ हिटलर को ये लाइन पता नहीं थी हिटलर बोल सकता था कि ना कोई मारता है ना कोई मरता है मैं तो निमित्त मात्र हूँ ये जो जूझ मर रहे हैं उनके लिए मैं निमित्त मात्र हूँ यार तुम क्यों काम का बना रहे हो मुझे विलन तो उसमें जो विलन है राघव राघव जो जो रोल किया था मनोज बाजपेयी ने तो वो किसी को मारने के पहले यही बोलता था डायलॉग कि ना कोई मारता है ना कोई मरता है मैं तो निमित्त मात्र हूँ इसलिए बुरा मत मानना प्लीज मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ मुझे ये निमित्त ये ये काम दिया गया है दिया है जिंदगी ने मैं आपको मारने के लिए तो उस पर हालांकि किसी ने पता नहीं लोगों ने उसको समझा कि नहीं मेरे मजाक को मगर वो था एक कि तो अक्स के बाद फिर एक लंबा आया गैप क्योंकि मैंने वैसे बहुत कम फिल्में लिखी हैं अभी मेरे ख्याल ले दे के कुछ फोर्टी फाइव फिल्में करीब तीस साल से फिल्में लिख रहा हूँ उसमें करीब फोर्टी फाइव फिल्में हैं कुछ फिल्में जरूर यादगार हैं जैसे तेज़ाब है जब जब तेजाब का आइडिया लेके चंद्रा मेरे पास आए तो मैंने कहा यार ये आज की आवारा बन सकती है तो बड़ी बड़ी मीन आवारा बन सकती है मैंने कहा देख अगर राज कपूर आज जिंदा होते मैं 1988 की बात कर रहा हूँ 87 की 1987 में अगर राज कपूर जिंदा होते और आवारा बनाना चाहते तो शायद वो, वो तेजाब बनाते क्योंकि 25 सालों में आवारा के बाद 25 सालों में हिंदुस्तान वो, इस मुकाम पे आ गया कि अगर आवारा बनती एटी सेवन में तो ऐसा तो वो तेजाब बनती और इसीलिए तेजाब में बहुत सारे सीन हैं जो आवारा को ट्रिब्यूट है मैंने जान के लिखा है अब जैसे तेजाब में जो इंट्रोडक्शन अनिल कपूर का जब वो फिल्म में जो वो गली मोहल्ले में आता है सड़क खाली हो जाती है खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते हैं लोग घरों में घुस जाते हैं पूरा सन्नाटा फैल जाता है बस्ती में जब मुन्ना दाखिल होता है मुन्ना जो कि गुंडा है अब वो सीन एक तरह से रिफ्लेक्शन है पूरी परछाई है जो आवारा का सीन है आवारा में जब वे वे आवारा का विलन के सिंह दाखिल होता है बस्ती में तो खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते हैं सड़कें सुनसान हो जाती हैं सब खामोशी छा चा जाती जा चारों तरफ और मैं कहना ये चाहता था उस उस, उस तरीके से जो कि किसी भी जो सो कॉल्ड फिल्म रिव्यूअर के महान विद्वान लोग हैं जो विद्वान लोग फिल्मों का रिव्यू लिखते हैं किसी ने इस चीज़ को नहीं पकड़ा न पकड़ पाया मेरा कहना ये था कि 25 साल में हिंदुस्तान वहाँ आज आ गया 87 में जहाँ विलेन का इंट्रोडक्शन आज हीरो का इंट्रोडक्शन बन गया है और हीरो जो है वो विलेन है ये मुल्क वहां पहुंचा है मगर उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। ऐसे ही बहुत सी बातें थी जैसे के आज जो, जो जिक्र है वाजघाई ने मुझे बुलाया था एक फिल्म थी उनकी देवा के लिए जिसमें अमिताभ बच्चन हीरो थे मगर वो फिल्म आगे बढ़ी नहीं बंद हो गई तो उन्हें, उन्हें कहा कि ऐसा कर यार तू ऑफिस ऑफिस छुट्टी ले तीन महीने की हम लोग बेंगलोर चलते हैं हम लोग राम लखन लिखेंगे मैंने कहा सर जी मेरी नौकरी है डे जॉब है और उसके साथ ही मैं तीन चार फिल्में और लिख रहा हूँ क्योंकि उस वक्त मैं बेटा भी लिख रहा था दिल भी लिख रहा था चालबाज भी लिख रहा था मैंने कहा उन बिचारों का क्या होगा जिनकी फिल्में लिख रहा हूँ आपके लिए जाऊँगा तीन महीने के लिए बेंगलोर तो हूँ मैंने मना कर दिया बट ही प्रॉमिस कि मैं जब भी कोई अच्छा निकलेगा मैं तु, मैं तुमको बुलाऊंगा एंड ही डिड दैट ही ही फुलफिल दैट प्रॉमिस जब उनके ख्याल में सौदागर आई जब उन्होंने राजकुमार दिलीप कुमार को साइन कर लिया तब उन्होंने मुझे फिर बुलाया कि देख आ जा मैं बना रहा हूँ सौदागर और सौदागर में मेरी तकलीफ क्या थी कि यही दोनों एक्टर थे जिनका मैं कभी फ़ैन था और मैं कभी किसी का फैन नहीं रहा किसी एक्टर का सिर्फ राजूर राजकुमार और दिलीप कुमार का और सुभाष घई को ये मुझे मेरी कमजोरी मालूम थी कि मेरा जो राइटर है ये दोनों का फैन है इसका मतलब कि ये दोनों एक्टर जो हैं बड़े होशियार स्मार्ट एक्टर हैं और दोनों इसको अपने अपने ढंग से घुमाने की, की कोशिश कर सकते हैं उनका ऐसा ख्याल था तो उन्हें कहा देख यू आर नॉट ए फैन यू आर ए कलीग यू आर द राइटर ऑफ द फिल्म यू आर नॉट ए फैन तो हर रोज मुझे उनकी उनका फोन आता था यू आर नॉट ए फैन ऑफ राजकुमार दिलीप कुमार यू आर ए राइटर ऑफ द फिल्म और ये मुझे याद रखना पड़ता था हमेशा क्योंकि ये दोनों अद्भुत जादूगर थे दिलीप कुमार तो मतलब यू कैन बिलीव इट मुझे याद है जब उनका पहला पह, पहली मीटिंग हुई ये खंडाला में होटल फरियास में वो सुभाष जी तो अपना हेल्थ क्लब में चले गए मुझे छोड़ दिया दिलीप साहब के साथ एशिया के सबसे महान एक्टर के सामने एक नए लेखक को जो सिर्फ तीन चार फिल्में पुराना है आपने बिठा दिया कि भाई आप जे लो तो मैं क्या करता मैं फैन भी था और राइटर भी हूं तो मैंने कहा सर जी वो वो तो गए हेल्थ क्लब सुभाष जी तो हम जो सीन एक बार देख लेते हैं जो मैंने लिखे हैं तो आपके रूम में चलते हैं सर बल्कि नहीं नहीं विल गो टू योर रूम तेरे कमरे में चलेंगे तो एशिया का सबसे महान एक्टर जो है दिलीप कुमार एक मामूली से नए यंग राइटर के कमरे में जाने को तैयार हुआ सीन सुनने के लिए इतने महान एक्टर हैं दिलीप कुमार मैं आप क्या बताऊं खैर हम लोग गए ये थोड़ा मैं इंटरेस्टिंग बात है कि एक्टर कैसे काम करते हैं हम लोग अक्सर एक्टरों को बहुत ज़्यादा वो नहीं करते गए तो एक रू, रूम छोटा सा कमरा था होटल का कमरा एक बेड एक कुर्सी एक टेबल बस एंड ऑफ स्टोरी मुझे बैठा दिया बेड पे हाँ आप तो सीन पढ़ तो मैंने सीन पढ़ के सुनाया जो ओपनिंग सीन था ओपनिंग मतलब कि जब वो मंदारी जो है वासु की चिट्ठी लेके आता है वीर के पास उसका जो दादावीर का पोता है वासु वो कहीं गया हुआ है वहां उसकी चिट्ठी आई है कि वासु ने क्या क्या किया है और दादा फिर रिएक्ट करता है ये सीन था आप बोले देखो ऐसा है कि देख तू मंधारी है तू मुझे चिट्ठी पढ़ के सुनाएगा और मैं इधर बैठा हूं मैं यहां हूं बुआ भी उधर बैठी है अपना कुछ काम कर रही है दीप्ति जो है उधर कमरे में अपना कुछ बना रही किचन में मुकेश भन मुकेश खन्ना जो है वो बंदूक में गोली भर रहा है फना मतलब पूरा उन्होंने छोटे से कमरे में पूरा सीन क्रिएट कर दिया मेरे लिए कि देख उधर घोड़े बंधे हैं इधर वो बाकी गाय भैंसे बंधे हैं इस तरफ एक शिव का मंदिर है इधर ये है ये है मतलब उस छोटे से कमरे में उन्होंने पूरा सेट लगा दिया मेरे लिए और मैं इधर से या जहाँ खड़ा हूँ मैं घोड़ों के पास या मैं मंदिर के पास खड़ा हूँ और इधर से मंदारी आता है तू मंदारी हो तू आ और तू चिट्ठी पढ़ना शुरू कर तो मैंने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया एंड दिलीप साहब स्टार्टेड रिएक्टिंग छोटे से कमरे में और फिर बोलते हैं कैसा लगा और मैं तो अभिभूत कि एक चार फिल्म पुराना राइटर जो है वो एशिया के सबसे महान एक्टर के सामने खड़ा है और वो एक्टर उससे पूछ रहा है कि भाई सीन कैसा लगा मैंने कैसा काम किया मतलब छोटे बच्चे की तरह की मतलब मैंने कैसा परफॉर्म किया कहा सर अब मैं क्या बोलू एक काम करते हैं, मैं एक और टेक देता दिलीप साहब ने उस कमरे में मेरे कमरे में होटल के उस सीन के आठ या नौ टेक दिए और सब एक से एक अद्भुत फिर बाद में अच्छा तो वो डू थिंक मैंने कहा सर एक बात तो तय हो गई मैं कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकता यह तय हो गया आज क्यों हंसने लगे बोले तू अच्छा राइटर है यू कैन इजिली बिकम ए गुड डायरेक्टर अच्छे राइटर अक्सर अच्छे डायरेक्टर बनते हैं नहीं सर ये जो आपने नौ टेक दिए हैं ना नौ वर्शन ऑफ द सीन अब इसमें मैं कैसे चुनूंगा कि कौन सा टेक पूरी फिल्म के लिए या कहानी के लिए आइडियल है आदर्श है बेस्ट आई विल नेवर बी एबल टू डिसाइड आई विल नेवर बी एबल टू डिसाइड कि कौन सा टेक बेस्ट है मैं क्या करूंगा ज ए डायरेक्टर आई हैपोज टू नो आई एम सपोज टू नो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि इतने टेक दिए हैं एक्टर ने, तो इसमें कौन सा टेक बेस्ट है ताकि वो एडिट होके जाएगा फिल्म में बट सर ये अच्छा है आई मैं राइटर होके खुश रहूँगा मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं करना है एबन वगैरह और उसके बाद अक्स के बाद रंग दसंती का जैसा नंबर तो जो लोग याद रखते हैं आज भी हैं आज भी जो वो तरह इतर से मेरा विजिटिंग कार्ड बन गया रंगद बसंती पता नहीं क्यों मेरे में से ऐसा कोई मेरा खास तो नहीं था इरादा हुआ ये एक छोटी सी हिस्ट्री है उसके पीछे और मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे रंगदे बसंती लिखने में करीब पचास साल लगे लोग ताजुब करते हैं हुआ ये कि 1956-57 में मैं में स्कूल में था जबलपुर में और नेहरू आए जबलपुर भाषण वाषण हुआ उनका और अखबार में एक हेडलाइन छपी जहां नेहरू ने कहा कि इस देश में जो भी भ्रष्ट पाया जाएगा उसे नजदीक के टेलीफोन खंभे से लटका दिया जाएगा मैं बच्चा था हमारे बच्चों का एक छोटा सा ग्रुप था एक साथ ही स्कूल जाते थे इस महाविद्यालय मैं शायद छठवीं में था आई वॉज इन दिक्सथ स्टैंडर्ड तो अगले दिन हम स्कूल जा रहे थे बच्चे तो हमने हमें आपस में शर्तें लगने लगी कि यार हमको पता था हमारे शहर में कौन भ्रष्ट है सबको पता होता है एवरी बडी नोज करप्ट उसमें कोई सीक्रेट नहीं है किसी के बारे में सबको पता है कि कौन भ्रष्ट है कौन कितना भ्रष्ट है तो हमने आपस में लगी शर्तें लगने लगी कि यार वो जो है ना वो फला बंदा जो है वो शाम टकित के सामने वाला जो खंभा है ना उससे लटका मिलेगा दूसरा वो फला आदमी जो है वो घंटा घर के सामने जो खंभा है टेलीफोन का वहां लटका मिलेगा हमें सारे खंबे पता थे और हारे जो भ्रष्ट लोग हैं जबलपुर के सब पता थे मगर हम जब लौटे तो सारे खंबे खाली थे 19 और ये घटना 1956-57 की है। 1990 में जब मैं दे बस्ते लिखना शुरू कर रहा था तब तक भी सारे टेलीफोन के खंबे खाली थे आज तक खाली है आज तक कोई भी भ्रष्ट किसी टेलीफोन के खंभे से नहीं लटका इस मुल्क में यहां तक कि टेलीफोन के खंबे गायब हो गए फाइबर ऑप्टिक्स आ गया आज तक कोई नहीं लटका कोई भ्रष्टाचारी टेलीफोन से नहीं लटका और वो आइडिया कहां से आया मैं बताऊं आज ही में अभी भी मैं एक ये ये ऑनलाइन वर्कशॉप लेता हूं स्क्रिप्ट राइटिंग की तो उसमें मैं अक्सर जिक्र होता है कि आइडिया कहां से आता है फिर उसकी कहानी कैसे बनती है फिर स्क्रीन पे कैसा लिखा जाता है ये सब मैं उसमें सिखाता हूँ हुआ ये कि एक मंजू सिंह करके एक ये टीवी के प्रोड्यूसर हैं वो मेरे पास आई कि मुझे भगत सिंह और उनके साथियों को बनाना एक टीवी सीरीज दूरदर्शन के लिए उन्होंने बहुत सारी किताबें दी पढ़ने को खैर वो तो मैं लिख नहीं पाया कुछ सवाल बीच में ऐसी मामले आ गए कि मैं लिख नहीं पाया मगर उसमें जो एक किताब थी जिसमें वो भगत सिंह की चिट्ठियां थी और वो चिट्ठिया भगत सिंह ने जेल से अपने बाप को लिखी थी और उसमें एक जो चिट्ठी थी वो चिट्ठी से देख पढ़ के मैं हिल गया उसमें एक लाइन थी लाइन और ये लड़का तेईस साल का भगत सिंह ये लिख रहा है अपने बाप को तेईस साल का भगत भगत सिंह कि आजादी का मतलब ये नहीं कि गोरे जालिमों की जगह काले जालिम आ जाए और अगर आ गए तो उनके साथ भी हम वही करेंगे जो हम गोरों के साथ कर रहे हैं तो 1990 में मुझे ख्याल आया कि अगर आज भगत सिंह होता तो क्या करता उसने तो अपने बाप को लिख दिया था तो अगर आज भगत सिंह जिंदा होता 1990 में तो क्या करता क्या जो काले जालिम आ गए हिंदुस्तान में क्या उनको लटकाता उनको गोली मारता क्या करता मगर भगत सिंह को 1990 में लाना कैसे आई डोंट बिलीव इन घोष्ट कि महात्मा गांधी का घोष्ट आ गया और आपका हृदय परिवर्तन कर दिया या फला आ गया और एक जादू हो गया कोई ईश्वर आ गया अवतार आ गया कोई फकीर आ गया नहीं, नहीं. मैं उनमें मेरा यकीन नहीं है मैं बहुत रियलिस्टिक आदमी हूं मैंने कहा नहीं हाउ टू तो रियलिस्टिकली ब्रिंग भगत सिंह अ लाइफ तो फिर मैंने कहानी रची कि एक सू नाम की लड़की है जिसका दादा अंग्रेजों के टाइम में नाइनटीन थर्टीज़ में यहाँ पे बड़ा बड़ा पुलिस अफसर था और ही न्यू भगत सिंह एन फ्रेंड्स को जानता था और वो अपने पीछे एक डायरी छोड़ के गया है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं उन सब लड़कों के बारे में एंड शी कम्स टू इंडिया टू मे ए डॉक्यू ड्रामा ऑन भगत सिंह एंड ऑफ थर्टीज के नाम से एक डॉक्यू ड्रामा बनाना चाहती है एंड ऑडिशन करना चाहती है अब उस वक्त जो उन्नीस सौ नब्बे का हिंदुस्तान था युवा भारत जो था वो क्या था इकॉनमी नई नई ओपन हुई थी और हिंदुस्तान का यंग इंडिया का दिमाग घूम गया था फॉरन की सारी ब्रांड्स आ गई थी लोग पागल हो गए थे शॉपिंग के लिए गाड़ी हो आफ्टर शू हो जीन्स हो कोई भी सामान हो अचानक पूरी दुनिया का बाजार जो है हिंदुस्तान में उतर गया था जिसके लिए हम सत्तर साल से भूखे थे इस मुल्क के लोग और जिसके लिए वो स्मगलर्स की मेहरबानी पे डिपेंड करते थे कि कोई टीवी चाहिए या जीन्स चाहिए या जूता चाहिए तो स्मगलिंग से होके आते लोग लिया करते थे अब वो अचानक सारी ब्रांड्स सामने आ गई लोग, लोग पगला गए कि इतनी आजादी और उसमें देश कहीं बहुत पीछे रह गया देश को लोग भूल गए और ये जो, जो युवा पीढ़ी थी देवेर बिजी अपनी इन द लाइफ स्टाइल डिस्को में जाना है पब में जाना है गर्लफ्रेंड्स हैं गाड़ियाँ नई नई आ गई आ गई रोड पे नई नई गाड़ियाँ आ गई गाड़ियों में लेके गाड़ियाँ आ गई मोटर बाइक्स आ गई लेके घूम रहे हैं बाहर के जो चाहे वो मैकडोनल्ड्स हो या या, या पिज्ज़ा हट हो ये सारी दुकानें आ गई घूमने के लिए तो एक अमेरिकन लाइफ स्टाइल जो उनका सपना हुआ करती थी आज हिंदुस्तान में अवेलेबल थी और उसके पीछे पूरा युवा भारत पगलाया हुआ था तो मैंने कहा ऐसे माहौल में क्या भगत सिंह भी आज होता तो यही करता जो आज के लड़के कर रहे हैं 1990 में क्या भगत सिंह भी वही करता ही वॉज ओनली ट्वेंटी आज भी जो लड़के ट्वेंटी के क्या कर रहे हैं तो फिर ये मैंने रची डिवाइस कि वो जो लड़के हैं उनको इंटरेस्ट ना भगत सिंह में है ना उनके साथियों में ना ना क्रांति में उनका इंटरेस्ट सिर्फ उस लड़की में है कि इसको पटाना है लड़की गोरी है खूबसूरत है युवा है पटाना है इसलिए लड़के मान जाते हैं कि चलो रोल कर लेते हैं मगर धीरे धीरे जो रोल हैं उनको टेक ओवर करने लगते हैं और यह भी आइडिया ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार सोचा है ऐसा एक्चुअली ऐसा घट चुका था बहुत पहले नाइनटीन में एक फिल्म थी संत तुकार शांताराम ने बनाई थी संत तुकार पे उसमें एक एक्टर थे हमारे विष्णु पंत पगनीस जो अक्सर संतों का रोल किया करते थे संत तुलसीदास कबीरदास यू you नो know, संतकार तो घटना मुझे मैंने कहीं किसी किताब में मैंने पढ़ा वहीं पे कि अभी अभी भी होता है कि अगर कोई राम का रोल करता है तो लोग उसको राम मान लेते हैं उसकी पूजा शुरू हो जाती है उसकी आरती करेंगे उससे आशीर्वाद लेंगे वगैरह वगैरह उनके शादी वही होना शुरू हो गया कि लोगों ने उसको उनको तुकाराम मान लिया फिल्म इतनी अच्छी आज भी है इट्स ए फैंटास्टिक फिल्म महान फिल्म है संत तुकाराम और उनकी भूमिका भी बहुत गजब की थी और फिल्म बहुत बड़ी हिट थी तो लोगों ने उनको तुकाराम मान लिया कि तुकाराम है तो अब लोग अपने बच्चे लेके आते इसका नाम रख दीजिए जिसकी शादी होती है उसके बेटे बेटी को लेके आता कि आशीर्वाद दे दीजिए यहाँ तक तो बात ठीक थी कि भाई चलो थोड़ी देर के लिए आप तुकाराम बन जाए और लोगों को खुश कर दिया आशीर्वाद दे दिया नाम रख दिया हाथ रख दिया उनके सर पे बस बात कर मगर मामला कब हो गया सीरियस जब उन्होंने खुद को मान लिया कि मैं तुकाराम हूं तो घटना यह कहती है पता नहीं सच है या झूठ भर कहां तो नहीं? घटना यह कहती है कि विष्णु पंत बघलीस ने घर छोड़ दिया अभी बच्चों को छोड़ दिया और जाके मंदिर में बैठ गए और उपदेश देने लगे तुकाराम के अभंग गाने लगे और जो उन्होंने फिल्म में किया था वो जिंदगी में करने लगे फाइनली उनको भेजा उनको भेजा गया मानसिक मानसिक अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए मैंने सुना है मैंने पढ़ा वहीं पे कि उनको बाकायदा ट्रीटमेंट करना पड़ा उनको असलियत में लाने के लिए तो मैंने कहा हाँ ये संभव है कि कभी कभी रोल जो है वो एक्टर पे हावी हो सकता है मैंने सुना था खुद जब मैं सौदागर शूट कर रहा था तो दिलीप साहब से मुझे मिलती थी कहानियां कि भाई सौदा ये मुगल आजम शूट कैसे हुई थी तो उन्होंने बताया था कि जो जो हीरो थे पृथ्वीराज कपूर जो अकबर का रोल कर रहे थे तो मेकअप करके बैठे रहते थे मेकअप रूम में पूरी फुल मेकअप में शॉट रेडी है सब लोग इंतजार कर रहे हैं मगर नहीं बार बार आदमी जा रहा है सर चलिए शॉट रेडी है शॉट लेना है नहीं अकबर नहीं आया उनकी एक लाइन बस होती थी, थी कि यार अकबर आया नहीं अभी मेरे अंदर अकबर आया नहीं एक्टर के अंदर अकबर उतरा नहीं है रूप में सब पहन के, करके. और निकल, एक घंटा निकल गया दो घंटा निकल गया अकबर आया ही नहीं अकबर उतरा नहीं पृथ्वीराज कपूर में तो दिलीप साहब अपनी तो विग निकाल के फेंकी बाहर में जाए अकबर सलीम घर जा रहा है एंड होम तो ये घटना थी मेरे दिमाग में थी कि हाँ रोल टेक ओवर कर सकते हैं और फिर जब उस कहानी में घटना घटती है कि जो एक लड़का एयरफोर्स का पायलट है जब मिक ट्वेंटी वन का होता है होता है क्रैश जिसमें उसकी डेथ हो जाती है तो सरकार इल्जाम लगाती है कि गलती थी पायलट की जबकि एक्चुअली गलती थी मशीन में जो मिक ट्वेंटी वन था हेलीकॉप्टर उसमें गल, गलती थी क्योंकि वो जब खरीदा गया था क्योंकि ये मीडिया में था चारों ओर मीडिया में फैला हुआ था कि कैसे वो सेकंड हैंड जो हेलीकॉप्टर खरीदा गया था मिग ट्वेंटी वन कैसे उसमें किक बैक लोगों ने घूस ली थी जो अफसर होते हैं या जो भी राजनेता होते हैं वगैरह वगैरह पूरी कहानी थी कि इल्जाम जा रहा था एयरफोर्स एयरफोर्स के पायलट पे जबकि गलती सरकार की थी सरकार के लोगों की थी जो लोग घूस लेते हैं उनकी थी और इसीलिए जब एक बेटे को मालूम पड़ता है कि मेरा बाप घूसखोर है मेरा बाप चोर है वो तो अपने बाप को अनुपम खेर को बेटा गोली मार देता है मुझे मरवाना पड़ा क्योंकि तो देश बाप से बड़ा है देश हर रिश्ते से बड़ा है और देश के लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है ये मैं कहना चाहता था तो वही होता है कि वो सब लड़के आपस में डिसाइड करते हैं कि भाई क्या करना हमारे दोस्त हमारा दोस्त मर गया और इल्ज़ाम उसके ऊपर आ रहा है कि उसकी गलती थी जबकि गलती ये थी कि सच्चाई ये है कि इसकी में इसमें इस मशीन की डिफेंस डील में पैसे खाए गए हैं इस डिफेंस डील में ब्रोकर हैं उस जमाने में काफ़ी ऐसे ये माहौल जो जैसा था कि डिफेंस डील में अक्सर वो बड़े ब्रोकर होते थे काफ़ी कोई काफ़ी काफ़ी महंगा सौदा होता था लेन देन काफ़ी होता था उसमें तो पैसे खाने की काफ़ी गुंजाइश भी होती थी जब ये होता तब भी जो ये जो लड़के हैं ये फैसला लेते हैं कि अब क्या करना और फैसला आखिर में लड़की का होता है लड़की का आइडिया ये होता है कि उनको मसाले को मार दो और जाके लड़के जाके मंत्री को मार देते हैं वगैरह वगैरह के जो भी और एक लड़का अपने बाप को मारते हैं मालूम पड़ता है कि मेरा बाप चोर है और एंड में रेडियो स्टेशन पे जाके वो सारी दुनिया सारे देश से वो, वो संवाद करते हैं कि तो उन्होंने ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों किया तो इस तरह ये फिल्म बनी रंग दे बसंती हालांकि जब बन रही थी तब किसी को उम्मीद नहीं थी खुद राकेश तक को पक्का नहीं था कि क्या होगा वो बोलता था कि सर ये फिल्म अगर बनी और बन के रिलीज भी हो गई इसे देखेगा कौन क्योंकि तब जो माहौल था जो लोग फिल्में देख जिस टाइप की फिल्में लोग देख रहे थे कभी खुशी कभी गम कुछ कुछ होता है दिल वाले दुल्हनिया मतलब कैंडी फ्लॉस फिल्में जो हैं क्योंकि इकोनॉमी ओपन ओपन होने के बाद जो एक मार्केट खोला एन आर आई फिल्मों का कि फिल्में बाहर शूट हो रही हैं कपड़े बाहर के हैं ब्रांड बाहर की हैं सारा लुक स्टाइल बाहर का है और हमारी फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था न सास और न बहू और ससुर मिल के नाच गाना साथ में कर रहे थे न कुछ ना अच्छे कपड़े थे ना फॉर्नी के लोकेशन थे कौन देखेगा मैंने कहा देखो राकेश अगर इस एक करोड़ की आबादी में एक भी लड़का या लड़की आके मुझे बोलता है कि थैंक यू सर फॉर गिविंग अस दे बसंती तो मेरी मेहनत कामयाब हो गई मेरे इतफाक ये हुआ बड़ा अजीब वही तो मैंने कहा ना कि हमें खुद अपना मोल पता नहीं होता छब्बीस जनवरी को रिलीज हुई फिल्म मेरे ख्याल सत्ताईस या अट्ठाईस की तारीख की तारीख थी जो बांद्रा में नेशनल कॉलेज है उसमें जो बी का कोर्स होता है बी की क्लासेस मेरा बेटा भी पढ़ता था वहां पे तो उन लोगों ने मुझे बुला लिया एज चीफ गेस्ट उनका कन्वोकेशन था तो बोले आइए आपके हाथ से अवार्ड दिलवाएंगे जो डिग्री वगैरह दिलवाना है वो दिलवाएंगे मैंने कहा ठीक है चलो अब राइटरों को कौन जानता है एक्टरों को लोग पहचानते राइटरों को कौन पहचानते हमारे पता नहीं कैसे इतफाक से उन दिन आफ्टरनून पेपर में मेरी एक कुछ फोटो वोटो छप गई थी शायद तो जो लड़का खड़ा था गेट पर मुझे स्कोर्ट करने के लिए उसने मुझे देखा

फिल्म का राइटर रंग का राइटर दे दे लिटरली एक आमतौर तो पर लड़के लड़कियां को मॉब करते हैं रा, राइटरों को घास नहीं डालता हम राइटरों की कोई अहमियत कीमत है नहीं हमको हमको कोई पहचानता भी नहीं वैसे भी थैंक इसके एडवांटेज भी है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ कोई देखने वाला नहीं है एक्टरों को यह मुसीबत रहती है हमेशा कि लोग देख लेंगे खैर तो वो देखली मॉवडी मैंने दे कहा थोड़ा ज्यादा हो गया राकेश मैंने तो एक मांगा था मुझे दो सौ मिल गए तो जिंदगी आपको क्या देगी आपको कुछ पता नहीं है कहां से क्या आपको मिलेगा क्योंकि तो आपका मोल आपको पता नहीं जिंदगी को पता है किस आदमी ने मेहनत की है इसने पूरे दिल से काम किया है इसको इसका इनाम मिलना चाहिए और मुझे मिला और आज तक मिल रहा है आज भी उसके बाद भी एयरपोर्ट पे स्टेशन पे शॉपिंग मॉल में रास्ते में कहीं कोई मिल जाता और मुझे पहचान लेता कि मैं कौन हूँ तो बस वही थैंक यू सर फॉर गिविंग दे बसंती आज तक वही चल रहा है कि सर आज भी यंग लड़के लड़कियां जो तब शायद छोटे बच्चे रहे होंगे आज से करीब बारह पंद्रह साल पहले जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब वो छोटे बच्चे रहे होंगे पाँच छह साल के उनको पता नहीं उन्होंने फिल्म देखी तो कितनी याद थी मगर आज आल भी वो बोलते हैं सर हमने आपकी वो फिल्म रखने पसंद थी क्या कमाल किया तो एक संतोष होता है कि चलो मैंने कुछ तो किया तो वही है कि आखिर जो मेरा मोल था वो सामने आया मुझे खुद को पता नहीं था मुझे खुद को यकीन नहीं था कि मैं क्या हूं फिर भी मैंने ये सिर्फ इतना किया कि जिंदगी को पूरा मौका दिया कि भाई ये ले मैं मुझे मुझे सफल करना है तो सफल कर असफल करना है तो असफल को मैं सबके लिए तैयार हूँ सफलता के लिए भी तैयार हूँ असफलता के लिए भी तैयार हूँ मुझे कोई मत क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है कि जिंदगी क्या है मैं तो एक नया मुसाफिर हूँ मैं तो नया नया पैदा हुआ हूँ जिस जिंदगी में दाखिल हुआ हूँ ये दुनिया है जो जो तूने दुनिया दी है ये तूने ये संसार दिया है मुझे ये देश दिया है ये समाज ये परिवार दिया ये लोग दिए हैं ये अद्भुत लोग दिए हैं चारों तरफ और तूने मुझे एक हुनर दिया है लिखने का मेरे मुझे एक भाषा दिया और एक हुनर दिया है कि हाँ मैं कहानियां लिख सकता हूँ फिल्में लिख सकता हूँ स्क्रिप्टे लिख सकता हूँ और उस, हु, उस हुनर का तुमने मुझसे इस्तेमाल करवाया अब कितने लोग हैं जिनके लिए जिनको यंग लड़के लड़की जाके बोलते हैं कि थैंक यू सर फॉर गिविंग अस एक्स वाई जेड कितने लोग हैं मैं हूं मगर मैं हूँ मुझे किया लोगों ने तो ये अजीब बात होती है कि जो जिंदगी है हमें जिंदगी पे भरोसा रखना चाहिए लाइफ इज ए गिफ्ट हमने लाइफ को हासिल करने कुछ नहीं किया जरा सोचिए आपने कौन सा इम्तहान पास किया है जिस जिसके लिए आपको जिंदगी मिली है आपने कुछ भी नहीं किया है ये पूरा अनचाहा गिफ्ट है अन मांगना गिफ्ट है अनडिजर्वड है वी डोंट डिजर्व दिस लाइफ दैट वी ये मौका दिया है ये एहसान जो है ये ये जो उपकार है जिंदगी का आभार जो है कि भाई आपने मुझे जिंदगी दी इस देश में भारत में खासतौर से और खास तौर से भारत में और उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा एक और, मेरा पक्षपात है इसलिए नहीं कि यह मेरा दोष है ये मेरा देश है इसलिए कि यह भारत है और भारत का मतलब यह है कि भा यानी प्रकाश व्रत यानी लगा हुआ प्रकाश की खोज में लगा हुआ हमारे जिन पुरखों ने इस देश का नाम भारत रखा बहुत सोच समझ कर रखा कि, कि किसी की जमीन की खोज में नहीं किसी दूसरे के धन दौलत की खोज में नहीं किसी और चीज़ की खोज में नहीं प्रकाश की खोज में ज्ञान की खोज में तो जो भारत का डीएनए है वो ये है ये डी हमलावर का नहीं है डीएनए ये डी ये डीएनए जो है किसी और पे जाके कब्जा करके अपनी हथियार के बल पे उसको कन्वर्ट करना उसको अपना गुलाम बनाना उसको अपनी बात बनवाना उसका शोषण करना ये भारत नहीं है भारत ने सबका स्वागत किया आ जाओ हमारे पास सबके लिए जगह है तो जो हमलावर भी आए उनको हमने दिल खोल के उनका स्वागत किया और आज उनका आता वो हमारे हिस्से बन गए हैं और उन्होंने एक ढंग से हमें कहीं ना कहीं समृद्ध भी किया है वो आए अपनी जो सभ्यता लेके आए अपनी कल्चर लेके आए अपना खान पान बात व्यवहार भाषा लेके आए और सब हमने स्वीकार किया क्योंकि ये वो वृक्ष है ये वो वट वृक्ष है जो हर एक सोर्स से वो लेता है पोषण कहीं से पानी कहीं से मिट्टी कहीं से धूप कहीं से हवा कहीं से रोशनी और ये उससे लेके अपने आप को समृद्ध करता है तो भारत जो है ये वट वृक्ष है और इसकी शाखाएं अनंत तक फैली हुई हैं इसकी जड़ें अनंत तक अनंत गहराई तक गई हमें अंदाजा भी नहीं कि देश कितना गहरा है और मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ कितने साल पुराना है बल्कि हमारी जो सोच है हमारे जो संस्कार हैं वो इतनी गहराई तक गए हैं हमें अंदाजा नहीं उसका मगर हम उसके फूल हैं हमारी जो जड़ें हैं अक्सर जड़ों को अक्सर फूलों को अपनी जड़ों का पता नहीं होता कि हम आ कहाँ से रहें मगर फूल जो है जड़ों के बिना हो भी नहीं सकते फूल हों फल हों पत्तियाँ हों शाखें हों बिना जड़ों के हो भी नहीं सकती मगर जड़ें दिखाई नहीं पड़ती वो जड़ें भारत है वो जड़ें हमें दिखाई भी नहीं पड़ती मगर वो हमारे अंदर हैं वो निकलती हैं हमसे मेरे लेखन में निकलती हैं जब मैं कुछ अच्छा लिखता हूँ तो निकलती है जब मैं कोई बसंदी कोई सौदागर कोई तेजाब लिखता हूं तो वो निकलती है मुझसे कोई खलनायक लिखता हूँ तो निकलती है मुझसे और ये मेरा सौभाग्य है ये मैं मानता हूं कि ये एहसान है जिंदगी का मुझ पर है <laughs> मैं लगता मैं काफी बोल गया अभी भी अगर कुछ सवाल है तो प्लीज आप पूछ लीजिए क्योंकि समय मेरे ख्याल काफी हो रहा है करीब करीब सवा घंटा हो रहा है तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए क्या करना है इतना काफी है या कुछ और आगे करना है। हेलो हेलो

हाँ सो या या या, या या. तो सॉरी तो मैं ये सवाल देख नहीं पाया जो पहले के लिए चाहता हूं असल में क्या ये माध्यम मेरे लिए बिल्कुल नया है आज तक मैंने फेसबुक लाइक किए हुए हैं मगर ये जो सवाल आते हैं ना लेफ्ट साइड में ये ऑपरेट करना मुझे <laughs> पता नहीं था गांव का हूं ना मैं हूं यूपी का बलिया का हम वी आर कंट्री बमकिन स्टिल तो ये जो नई टेक्नोलॉजी या डिजिटल टेक्नोलॉजी तो वी आर नॉट एज गुड एज वी शुड बी बहुत सारे सवाल हैं अब आप बताइए कि इसमें से मैं किसको चुनू एडवरटाइजिंग खारगे ने पूछा कि एडवर्टाइजिंग स्टार्ट फर्स्ट और राइटिंग फॉर फिल्म नहीं जिससे मैं बता चुका हूँ कि एडवर्टाइजिंग पहले आई और एडवर्टाइजिंग से इतफाक से बिकॉज मैं अमूल को जानता था तो उस तरह वो फिल्मों में आ गया एट हंड्रेड रुपीज सैलरी इन दो डेज यस आज की अगर आज की तारीख में देखें तो मेरे ख्याल लाख रुपए से कम नहीं होगा जो उस आठ सौ रुपये भी बहुत बड़ी मतलब मेरे किसी दोस्त को यकीन नहीं होता था कि अरे उनको तो सिर्फ मिल रहे हैं डेढ़ सौ और जबकि मैंने डिप्लोमा भी नहीं किया कितनी बार आ, कितनी बार ये समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है अपने साथ स्पेशली इन आर्ट फील्ड देखिए इसमें क्या है मेरा अपना अपना एक है नजरिया कि जहां तक आर्ट का सवाल है इसमें क... कुछ भी नपातुला नहीं होता कि क्या होना क्या नहीं होना कितने पैसे मिलेंगे कितना नाम मिला कितनी शोहरत मिलेगी आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल इनफ कि हाँ मुझे हमें ये हुनर मिला है और ये हुनर जो हमें मिला है जिंदगी से इस हुनर का हम क्या उपयोग कर रहे हैं तो उसका हम क्या अच्छे से अच्छा अपनी तरफ से दे सकते हैं यहाँ तक मिलने का सवाल है मिलना बहुत अलग चीज़ों पर क्योंकि समाज है देश है राजनीति है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलता है अब कुछ लोग हैं जिनको अच्छा ये आसान होता है कि जाके चमचागिरी करें और कुछ अवार्ड मिल जाए सरकार से या किसी से पैसे मिल जाए कोई नाम आ जाए अब इसीलिए तो मीडिया में आप आपको शायद पता भी नहीं होगा मगर आज की तारीख में अखबार की जो जो एंटरटेनमेंट के पेजे होते हैं हर शब्द बिका होता है फोटो कितनी बड़ी आएगी और कितनी लाइनें लिखी जाएंगी उस फिल्म स्टार के बारे में सब बिका हुआ है टेलीविजन के चैनल पे सैटेलाइट के चैनल पे सेकंड्स बिके होते हैं कितने सेकंड का आपका एक्सपोजर आएगा सब बिकता है तो हाँ अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तो सीखे आप आप उसकी कीमत दीजिए आपको मिलेगा मगर मैं उस रास्ते में विश्वास नहीं करता क्योंकि तो मेरी वो बतौड़ नहीं है मेरी वो वो भूख नहीं है मुझे नहीं चाहिए वो तो इसलिए वो अपना अपना तरीका है वो जो मुझे शूट करता है मैं करता हूँ किसी और के लिए शायद वो शूट नहीं करता उसको लगता है कि हाँ भाई अगर कुछ पैसे खर्च करके ये कुछ मुझे कोई को, 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 तारीफ मिल जाती है कोई शहरत मिल जाती है या कहीं मैं कोई मेरे सामने कोई मेरी पकड़ में आ जाता है तो वाई नॉट ठीक है दे आर दे आर ऑल वेलकम टू डू दैट मैं नहीं कहता कि वो गलत है मगर वो अपने स्वभाव पे है कि आप जो है समझौता कर सकते हैं अपने ईमान के साथ सब ठीक है आप जाइए बढ़िए जो करना है कीजिए मेरे साथ ऐसा नहीं है मैं तो इस, इस, इसी के लिए अभिभूत हूं कि मुझे जिंदगी ने हुनर दिया कि जो मेरा शौक है वही मेरी रोजी रोटी है अब इससे बड़ा क्या हो सकता है एडवर्टाइजिंग में हमें एक, एक बड़ी अजीब सी लाइन है मैं आपको बताऊं कि एडवर्टाइजिंग इज द मोस्ट फन यू कैन हैव विद योर क्लोज ऑन ऐसा बोला करते थे वैसे भी थोड़ा इरेवरेंट लोग होते हैं वाले कि मतलब जो जो आपका आपका शौक है जो आपका है उसी से आपकी रोटी भी निकलती है तो एक तरफ तो आपको एंजॉयमेंट तो मिल ही गया आप खुश हैं आपने अच्छा काम किया है और जो पैसा मिलता है जो नाम मिलता है वो 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 आपका बोनस है वो आपको उम्मीद नहीं थी मगर वो आपका बोनस है तो एक आर्टिस्ट के लिए अगर उसको सफलता मिलती है तो ये उसका बोनस है नॉट बिकॉज ही डिजर्वस इट मगर उसको एक इतफ़ाक से या या किसी भी तरह से अगर वो मिलता है तो हर्ज क्या है मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इसके लिए पूरे बाकायदा एफर्ट देना पड़ता है बाकायदा कोई पी आर कंपनी लेनी पड़ती है या कोई पी आर इंडिविजुअल है कि रही मैं यहाँ छपवा दूंगा वहाँ लगवा दूंगा यहाँ दिखवा दूंगा ऐसे लोग हैं तो असली बात यह है कि आपके परिभाषा क्या है सफलता की बात असल में वहीं पे आ जाती है कि आपके हिसाब से सफलता की परिभाषा क्या है आप किसको सफलता मानते हैं सफलता का मतलब अगर यह है कि आप कितने मशहूर हैं पॉपुलर हैं कितना पैसा है आपके पास कितने लोग आपको जानते हैं मेरे लिए वो सफलता नहीं वो दो कौड़ी की बात है क्योंकि तो वो खरीदी जा सकती है सब खरीद जो भी खरीदा जा सकता है वो दो कौड़ी का है मेरे लिए खासतौर तो से जहां तक तो आर्टिस्टों का सवाल है तो सफलता मेरे लिए सिर्फ ये है कि हाँ जो मेरा हुनर है उसको मैंने उसको पूरा पूरा इस्तेमाल किया कि नहीं कुछ छोड़ कुछ छोड़ा तो नहीं कुछ ठा तो नहीं रखा अपने पीछे तो नहीं रहा मैं इसलिए मैं अपनी ओर से अपने आप को पूरा अपने काम में उड़ेल देता हूँ कुछ भी बचा के नहीं रखता अपने आप अभी सिखा रहा हूं, जैसे कोई हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन वर्कशॉप राइटिंग है पूरा का पूरा अब तुम इसमें से कितना ले सकते हो तुम्हारे ऊपर है कि ये मैंने तुम्हारे अंदर एक समंदर डाल दिया है अब तुम उसमें से एक बूंद लेते हो एक लोटा एक गिलास लेते हो या पूरा झरना का झरना ले लेते हो तुम्हारे ऊपर है तुम्हारी योग्यता पे है तुम्हारी लिमिट पे है तुम्हारी कि कितनी ताकत है उसको स्वीकार करने की मैं तो देने को पूरा पूरा तैयार हूं क्योंकि तो यही मुझे जिंदगी से भी मिला है कि जो भी है पूरा का पूरा जिंदगी हमें दे देती है वह हमारी लिमिट्स हैं या हमारी क्षमता है कि हम उसको कितना ले पाते हैं उसका क्या इस्तेमाल कर पाते हैं वह हमारी सफलता सफलता वो है मेरे लिए सफलता ये है कि मैं पूरा का पूरा मैंने अपने आप को डाल दिया फिर उसका अंजाम क्या हुआ उसे मुझे कोई मतलब नहीं अभी भी मेरे पास करीब साठ सत्तर कहानियां पड़ी है मेरे स्टोरी बैंक में मेरे मैंने जितना काम किया है पिछले तीस सालों में मुश्किल से दस परसेंट भी बाहर नहीं आया है तो मैं क्या कहूँ मैं अपने को सफल मानूं कि असफल मानूं करे ये 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 यही का तरीका हुआ कि सिर्फ दस परसेंट ही काम बाहर आया है मैं क्या करूं मेरा काम सिर्फ लिखना है आई एम नॉट ए प्रोड्यूसर वो मेरे हाथ में नहीं है ना मैं एक्टर भी नहीं हूँ कि मैं कुछ कंट्रोल करूँ मगर मैं खुश हूँ कि मैंने जो भी मेरा काम बारा, बाहर आया है उसमें मैं पूरा का पूरा था वहां मैंने कोई भी अपने आप को बचा के नहीं रखा मेरे लिए वही सफलता है वट आर यू वर्किंग ऑन एनी लेटेस्ट प्रोजेक्ट हाँ अभी एक दो तो चीजें हैं जैसे एक राकेश के लिए कुछ काम शुरू कर रहा हूँ और एक रिलायंस के लिए एक वेब सीरीज है उस पर थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है और दूसरा एक जो एक जो कुछ किताबें हैं ना क्योंकि हिंदी में स्क्रिप्ट राइट में कोई किताब अवेलेबल नहीं है या है भी तो बहुत ज़्यादा काम की नहीं है तो मेरा इरादा यही है कम से कम एक ऐसी चीज़ छोड़ जाऊँ एक, एक सीरीज ऑफ बुक्स हिंदी में जो स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाएं कि स्क्रिप्ट राइटिंग होती क्या है और स्क्रिप्ट राइटिंग करते कैसे संजीवन से डू यू थिंक इट इज वी बिगिन एडवर्टाइजिंग आवर कल्चर नो 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 वी डोंट नीड टू वट आर यू टॉकिंग अबाउट वाई डू वी नीड टू एडवरटाइज और कल्चर अगर कल्चर में ताकत है जिंदगी है क्षमता है वो खुद आज भी आज तक आती रही है सिर्फ जरूरी यही कम से कम हम तो पहचाने अप, अपनी कल्चर को कभी हम तो जाने कि हमारी जड़ें क्या हैं कहाँ से आती हैं इतना काफी है उसको एडवरटाइजिंग जाके दुनिया में उसका ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है हाँ जहां मौका है अपना आप बोल दीजिए कि हाँ भाई मेरा भारत यह है जैसे मैं बताया कि भारत यानी भाई यानी प्रकाश रथ लगा हुआ प्रकाश की खोज में लगा हुआ अब इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है किसी देश के लिए कि जिसकी खोज किसी और देश की जमीन दौलत धम दल विज्ञान नहीं है उस जिसकी खोज प्रकाश है ज्ञान का प्रकाश तो अपनी जो कल्चर है उसको बेचने की कोई जरूरत नहीं है आप सिर्फ उसको स्वीकार करें उसको एप्रिशिएट करें और जहाँ भी आपको ऐसा मौका मिले जैसे फेसबुक पे या और जगह पे जहाँ आपको अवसर मिलता है उसके बारे में बात करना बात करें जो आपके दिल में उसको सामने रखें फिर सामने वाला कन्विंस होता है कि नहीं बता तो उसकी प्रॉब्लम है आपकी नहीं है और उसके लिए खुद आउट ऑफ द वे जाके ढिढोरा पीटना कि मेरा भारत महान वगैरह ब्ला ब्ला जो भी है वो एक वो सरकार के लेवल पे होता है तो ठीक है उनकी ड्यूटी वो करते रहें एक व्यक्ति के तौर पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो ये हमारी कल्चर जो है काफी समृद्ध है काफी शक्तिशाली है थैंक्स uh, सुमंत अमिताभ बच्चन डू यू अग्री सर दैट लक आल्सो डज मैटर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू मीन बाय लक माय फ्रेंड लक का मतलब क्या है लक का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा होता है जिसको हम समझ नहीं पाते जिसका जिसके लिए वो वजह निकालना मुश्किल होता है कि यह कैसे हो गया या क्यों हो गया मैं बताऊं कि जो मेरी अपनी समझ है जिंदगी का अपना एक नियम कानून है एक लॉ है वो अपने लॉ से जिंदगी चलती रहती है जो है, उसके हिसाब से धूप निकलती है अब हवा जो है हवा को आपके बारे में कुछ पता नहीं है कि आप कौन सा हैं फिर भी हवा आपकी सांस बनती तो है धूप का आपको पता नहीं है कि आप कौन सब फिर भी धूप आपके आंगन में आती है धूप को आपका एड्रेस पता नहीं है धूप के पास आपका आधार कार्ड नहीं है कि भाई चलो फला के घर जाना है मरु आपके घर आती है धूप हवा है धूप है या जो भी चीजें जिंदगी में या पानी है बरसात है बिना पूछे बिना मांगे आपके सामने आती है ये नियम है अस्तित्व का जो जिंदगी है वो अपने नियम से चलती है कभी कभी क्या होता है कि जिस ओर आप जाना चाहते हैं हवा उस ओर की बहती होती जैसे आप एक नाव में बैठे हैं आपने लगा दिया पाल और हवा आपके पीछे है तो आपकी नाव अपने आप बिना किसी एफर्ट के आपकी नाव आगे बढ़ती जाती है और आपको जो मिलना है वो मिल जाता है आप समझते हैं मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि तो हवा मेरे पीछे आपको नहीं पता होता कि हवा आपके पीछे है मगर वो हवा आपकी नहीं आपने नहीं लाई थी वो हवा लगाई थी जिंदगी नहीं इतफाक था इतफाक था कि उस समय में आप नाव में थे और हवा आपके पीछे चल रही थी इसलिए आपकी नाव आगे बढ़ी आप उसको नाम लख दें या कुछ इतफाक कहें आपकी मर्जी उल्टा भी होता है कि आप कहीं जाना चाहते हैं हवा आपके खिलाफ है अब वो हवा जो खिलाफ है वो हवा है जिंदगी ने उसको तो आपका पता भी नहीं है कि आप नाव में बैठे हैं और आपको कहीं जाना है जिंदगी कोई मतलब भी नहीं है कि आप अपनी मंजिल पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते वो तो अपने नियम से चलती रहती है जो लॉ है जो विधान है जिंदगी का जो विधान है वो तो विधान से चलती रहती है कभी कभी वो विधान आपके पक्ष में हो जाता है कभी कभी आपके खिलाफ भी हो जाता है इसलिए नहीं कि जिंदगी आपके दुश्मन है भले आप ले मान ले कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ इतना एफर्ट कर रहा हूँ फिर भी कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है जिंदगी को उससे कोई मतलब नहीं है आपसे इंडिविजुअली आपको जानती भी नहीं जिंदगी एज ए इंडिविजुअल आपके लिए सिर्फ एक एक्सप्रेशन है जैसे कि हजारों चीजें हैं पेड़ हैं पौधे हैं जानवर हैं पंछी हैं पहाड़ है नदियां हैं वैसे आप हैं आप भी एक ऊर्जा का स्रोत है एनर्जी आपके अंदर एक इंसान बन के निकली है जैसे एक पेड़ के अंदर एनर्जी पेड़ बन के निकली है एक नदी के अंदर एनर्जी नदी बन के पानी बन के निकली है एक पहाड़ के अंदर एनर्जी पहाड़ बन के निकली है आपके अंदर एक कोई एनर्जी जिन, इंसान बन के निकली है तो जहां तक जिंदगी का सवाल है वो अपने नियम से चलती है वो आपके ऊपर बिल्कुल वो जिंदगी न्यूट्रल है ना पक्ष में है ना भी ना भी पक्ष में है पर हम स्वार्थी हैं हम हर चीज को अपने स्वार्थ के चश्मे से देखते हैं कि भाई इसमें मेरा फायदा है कि नुकसान है और उसके हिसाब से हम अपने आप को जिंदगी का दुश्मन बना लेते हैं और उससे लड़ना शुरू कर देते हैं गलत है फिर हम अपने आप से भी लड़ते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया शायद मेरे अंदर कोई कमी है नहीं भाई किसी के अंदर कोई कमी नहीं है जिंदगी कभी भी कोई अधूरा काम नहीं करती जिंदगी सबको पूरा पूरा देती है हाँ हमारी हम अपनी बेवकूफियों से हमारा समाज हमारा देश हम लोग अपनी बेवकूफियों से अपनी सीमाएं बना लेते हैं तो वह हमारी बेवकूफी हमारी कमजोरी है जिंदगी का उससे कोई लेना देना नहीं हो तो अपने नियम से चलती रहती है इफ टू राइटिंग व्हाट इज वेरी मच नीडेड रीडिंग नॉलेज पेशेंस अरे इफ यू वांट टू राइट फिल्म्स यू हैव टू लर्न द क्राफ्ट इट इज लाइक इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस और इवन आर्किटेक्चर और इवन म्यूजिक यू हैव टू लर्न द ग्रामर यू हैव टू लर्न द ग्रामर और स्क्रीन पर लाइटिंग टू बी एबल टू राइट फॉर फिल्म तो रीडिंग वगैरह तो ठीक है हर चीज़ का उपयोग है बेसिकली आपको सीखना पड़ेगा कि वट इज द क्राफ्ट स्क्रीन पर राइटिंग खास जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यू हैव टू लर्न द क्राफ्ट यू कॉन्ट इट कॉन्ट हेल्प इफ यू आर नॉट लर्न नो द क्राफ्ट देन ओनली यू विल बी सीन एज ए प्रोफेशनल क्योंकि जैसे इंजीनियरिंग है ऐसे स्क्रिप्ट राइटिंग है थोड़ी इसीलिए जब मेरी वर्कशॉप लेता हूँ तो मैं मुझे ताजुब होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो आई के आते हैं हु आर इन दू आर इन द जॉब उनकी अच्छी नौकरी है अच्छा कमा रहे हैं फिर भी वो दे वॉन्ट टू राइट स्क्रिप्ट क्यों उसकी भी एक वजह है क्योंकि राइटिंग स्क्रिप्ट लाइक बींग गॉड यू आर प्लेइंग गॉड यू आर क्रिएटिंग अ वर्ल्ड ऑन पेपर और ऑन योर लैपटॉप स्क्रीन एंड यू आर पॉपुलेटिंग दैट वर्ल्ड विद करेक्टर दैट यू क्रिएटेड आपने कहानी एक इन्वेंट की है एक दुनिया बनाई है पेपर पे या लैपटॉप पे उस दुनिया में आपने लोग डाले हैं आपने कुछ डाले हैं किरदार जो आपकी, आपके आपके क्रिएशन है और फिर आप उनकी किस्मत का फैसला करते हैं कि कौन जिएगा मेरी कहानी में कौन मरेगा किसका दिल टूटेगा और कि, किसको लड़की मिलेगी किसको जायदाद मिलेगी किसको सिंहासन मिलेगा किसी को ठोकरें मिलेगी उनकी किस्मत का फैसला आप करते हैं यू आर लिटरली प्लेइंग गॉड तो बींग ए स्क्रिप्ट राइटर इज लाइक बींग गॉड सिंपल इज दैट एंड वाई एम नॉट सरप्राइज कि बहुत से लोग जो या तो डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या एम बी ए हैं दे वॉन्ट टू बाई बी स्क्रिप्ट राइटर क्योंकि वो जो खुशी है जो खुश, जो एक कुछ नया पैदा करने का जो आनंद है एक दुनिया और किरदार पैदा करने का उसका कोई मुकाबला नहीं है कोई एम बी ए इंजीनियर डॉक्टर उसकी उस, उस, उसके उसका मुकाबला नहीं कर सकता हाँ सर वेयर डू टेक अभी तो मैं आई एम टेकिंग ऑनलाइन कोर्सेज राइट नाउ फ्रॉम माई होम तो यस इफ़ यू वॉन्ट यू कैन आस्क मिथली फॉर माई ई मेल आई डी एंड यू कैन मेल मी योर इंटरेस्ट इफ यूर इंटरेस्टेड देन आई विल सेंड यू द पोस्टर देर इज अ फी अटैच टू इट एक हफ्ते का पूरा कोर्स है सात दिन काज नंबर ईशान पांडे एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन लेटर बैच अभी तो फॉर थर्टी थर्टी बट आफ्टर थर्टी आई मे आई मे टेक स्टूडेंट उसके बाद आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकती हैं अभी अभी जो आपको ये नंबर आया है ईशान पांडे का जो गार्गी फरीद ये ये भी नंबर गया है नाइन एट टू वन टू एट फोर एट थ्री वन जो है आप इस नंबर पे फोन करके बता दीजिए फिर वो बता देगा डिटेल्स वगैरह क्या कैसे करना है ऑल डन और कुछ और कोई सवाल आई होप यू पीपुल एंजॉयड इट बिकॉज ऑनलाइन uh, में ये मुश्किल है कि यू हियर एंड सी द रिस्पॉन्स एक्सेप्ट इन वर्ड ठीक है तो एक बार फिर मैं धन्यवाद लिटिल मोर का ये मौका देने के लिए और आ, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप और सफल हो और अच्छा काम करें मुझे मालूम है आप लोग कौन सा काम कर रहे हैं और वो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इसलिए इसलिए नहीं कि आप शांताराम पवार की बेटियाँ हैं बल्कि इसलिए कि आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे जब भी कुछ ऐसा होगा जहाँ आपको लगे कि मेरा उपयोग हो सकता है तो उसके लिए मैं आ, मैं अवेलेबल हूँ तो आप बुलाइए मैं आऊँगा फिर आऊँगा मैं और धन्यवाद आपके समय के लिए आपने इतना मुझे झेला डेढ़ घंटे या ऑलमोस्ट वन एंड हाफ आवर डैमिक तो डेढ़ घंटे आपने मुझे झेला इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ और आप घर में रहें सेफ रहें सुरक्षित रहें यही कामना है जब तक ये महामारी हमारे सर से टल ना जाए और फिर दोबारा हमारी मुलाकात हो किसी अच्छे माहौल में उसी कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ थैंक यू वेरी मच